तो आप जब कॉलेज से बाहर जाएंगे तो आपको एक बहुत बड़ा, एक तरह से जैसे कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा संसार मिलेगा होम्योपैथिक वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल संस्कार संसार मिलेगा। वहाँ अलग अलग तरह से आपको प्रैक्टिस के तरीके देखने को मिलेंगे। तो मेरा जो पढ़ाने का चैप्टर है वो है रेपर्टरी, और रेपर्टरी में वो है जो माइंड सेक्शन है उससे रिलेट सारा काम होगा। तो ऐसा लगेगा आपको, एक थोड़ा सा आपको डरना नहीं है मेरे लेक्चर से, थोड़ा कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं कोशिश करूंगा। आपको लगेगा भी थोड़ा सा डर, क्योंकि आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर हैं, आप आपने अभी रेपर्टरी तक पहुंचे ही नहीं है, क्योंकि मेरा सारा लेक्चर जो है वो रेपर्टरी बेस्ड है, लेकिन मैं उसको इंटीग्रेट करता हूँ मटेरियल मेडिकल से। जब भी मैं कोई चीज बताऊंगा तो उसको मेडिसिन के अंदर मैं आपको जो है इंटीग्रेट करूंगा कि कैसे मटेरियल मेडिका कॉम्प्लीमेंट करता है रेपर्टरी को। डॉक्टर कैंट ने रेपर्टरी बनाई तो क्यों बनाई, उनको ऐसा क्या लगा कि उनको रेपर्टरी बनाने की जरूरत पड़ी। तो रेपर्टरी वर्ड फ्रांस से आया पहली बात, तो इसका मतलब ये होता था कि जब ये एक पुराना वर्ड है रेपर्टरी, इसको इसलिए बनाया गया था कि जब आपका सेना होती है, पूरी एक आर्मी होती है, तो उनका एक भंडार होता है कि जिसमें उनको रखना होता है, आर्मी के वेपन्स रखने होते हैं अलग अलग तरह से। तो ये होता है कि जब लड़ाई छिड़े तो कौन सा वेपन जो है वो उठाएं और कहाँ पड़ा हुआ है। तो वो एक रेपर्टराई किया था कि ये इस सेक्शन में ये पड़ा, उस सेक्शन में ये पड़ा है। उसी को फॉलो करते हुए जब डॉक्टर कैंट ने प्रैक्टिस शुरू की होगी तो उनको मटेरिया मेडिका जब था तो उनको ये लगा होगा कि जैसे सपोज करो मेरे को सैड वर्ड ढूंढना है, सैड या ग्रीफ वर्ड ढूंढना है, तो मैं अब पूरे मटेरियल मेडिका में अगर मैं आपको बोलूं कि सैड वर्ड ढूंढो तो आपको बहुत टाइम लगेगा, पूरे एक एक मेडिसिन छाटनी पड़ेगी सैड वर्ड किस किस मेडिसिन में है। तो रेपर्टरी बनाने का मतलब यही है कि उन्होंने एक सैडनेस रूब्रिक लिया, उसके नीचे जितनी भी मेडिसिन थी वो डाल दी, तो एक कन्वीनियंट हो गया कि अगर आपको किसी पेशेंट का सैड ढूंढना है आप सीधा सैडनेस में जाइए, वहां बहुत सारी मेडिसिन होंगी और वहां से आप निकाल सकते हैं। मैं एक आप वर्ड अभी डालना चाहता हूँ, होलिस्टिक अप्रोच। क्या आपने होलिस्टिक वर्ड सुना है अभी होम्योपैथी में? यस लिखिए और नो लिखिए, जिन्होंने सुना है वर्ड होलिस्टिक। डालते जाइए यस नो, जिसको उस दिन ने होलिस्टिक का सुना है वो डालिए, ठीक है? तो आप लोगों ने सुना काफी, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये होलिस्टिक वर्ड कब आया था हमारे संसार में, ये होलिस्टिक वर्ड किसने दिया, इसके बारे में एक कोई लिख सकता तो फटाफट लिखिए, इसका क्या मतलब क्या हुआ होलिस्टिक का, मैं भी आपको जानना चाहूंगा। तो ये किसने दिया होलिस्टिक वर्ड, कहाँ से आया, ये कोई लिख सकता है, किसी को पता है? सबने, सबको वर्ड तो पता है, वेरी गुड। बट ये किसने दिया वर्ड, ये 1926 में वर्ड ओरिजिनेट हुआ था होलिस्टिक वर्ड साउथ अफ्रीका से। होलिस्टिक का मतलब होता है पवित्र, मतलब ये कि माइंड बॉडी और सोल का एक कम्बिनेशन को आ है, उसको एक होलिस्टिक अप्रोच माना गया। तो होलिस्टिक अप्रोच उसको कहते हैं जिसमें एक सीड से आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। आपको पेशेंट की, जैसे हमें सिखाया जाता है कॉलेज में कि आपको एक पूरी केस टेकिंग बनानी है और केस टेकिंग के बाद आपको जो है उसको रेपर्टराइज करना है या मटेरियल मेडिका में जाना है, तो होलिस्टिक अप्रोच ये होती है कि आपने पेशेंट को देखा, जैसे डॉक्टर हनीमैन ने बोला कीन ऑब्जर्वर, आपने उसको देखा, उसकी बात सुनी और उसकी बात से जिस्ट निकाला। जिस्ट जिस्ट एक होलिस्टिक अप्रोच है, आपने जिस्ट निकाला। जैसे सपोज करो मैं आपको एक आम दे देता हूं और एक आम का सीड दे देता हूं, तो आपको सीड दिया तो आपने कैसे, आप पहचान पाओगे कि ये आम का है या ये खरबूजे का है या ये टमाटर का है? अगर आपकी होलिस्टिक अप्रोच, इसको कहते हैं कि आपने सीड देख के समझ गए कि ये आम का है, इतनी नॉलेज गेन करनी है कि आपको होलिस्टिक होना है अप्रोच में। होलिस्टिक अप्रोच है होम्योपैथी में, और होलिस्टिक होता है एक पवित्र अप्रोच जिसमें कि हम तीनों चीजों को कवर करते हैं। पढ़ते हैं वाइटल फोर्स, अपने शुरू से लेके एंड तक वाइटल फोर्स ही पढ़ते हैं। अब जब हम प्रैक्टिस में आए तो मैंने आज तक कभी भी वाइटल फोर्स पेशेंट के सामने नहीं बोला उसको, ना पेशेंट ने पूछा ना मैंने बताया, ना मेरे को कभी बताने की जरूरत पड़ी कि ये वाइटल फोर्स का मतलब क्या है। लेकिन कुछ तो है इंपॉर्टेंस वाइटल फोर्स की, तो हमने क्या किया इसको क्लिनिकली इसको चेंज किया। अब मैं अगर किसी पेशेंट को बोलूं कि, पेशेंट बोलेगा कि सर मैं कैसे ठीक हूंगा, मैं आपको बड़े लो ऐसे लेवल पे लेके जा रहा हूँ जैसे कि मैं अगर आपको कॉलेज के सब्जेक्ट से ही पढ़ा रहा हूँ, फिर थोड़ा आगे लेके जाऊंगा थोड़ा सा एडवांस लेवल पे भी, ताकि आप एकदम से नर्वस ना हो जाए कि ये क्या हो गया।
हमें समझ ही कुछ नहीं आया, आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम. देखिए वाइटल फोर्स जब हम प्रैक्टिस में आए तो हमें समझ में नहीं आई कि इसको अब क्लिनिकल बोलना कैसे है. क्या मैं पेशेंट को बोलूं कि हम दवाई देंगे सिंपली में, हम तुम्हारा वाइटल फोर्स जो है ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, आगे हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, क्या होगा वाइटल फोर्स का. जैसे जैसे क्लिनिक में टाइम बीता चला गया हम इस वर्ड को भूल गए वाइटल फोर्स को, क्योंकि समझ नहीं आया कि कभी यूज ही नहीं हुआ हमसे. तो तब मेरे को समझ में आया कि एक्चुअली में वाइटल फोर्स को डॉक्टर हनीमैन कहना क्या चाहते थे. ये मैंने अपनी तरफ से, मैं एक्सपर्ट नहीं था लेकिन मैंने अपनी तरफ से सोचा. वाइटल फोर्स ये है कि हमने सोचा कि बॉडी में एक एनर्जी है, वो एनर्जी जो हमने फिर वाइटल फोर्स को कन्वर्ट कर दिया एनर्जी, एनर्जी फोर्स के अंदर वाइटल वर्ड रह दिया फिलहाल के लिए. मैं इसको डिसएग्री नहीं करता लेकिन क्योंकि क्लिनिकल जाना आगे हमने, तो आप पेशेंट को बोलेंगे, सपोज करो पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मैं ठीक कैसे हूंगा, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये. हर पेशेंट आपके आपसे आगे से आके पूछेगा होम्योपैथी ठीक कैसे करती है, होम्योपैथी में मेरा इलाज कैसे होगा, ये आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन. ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको जो बतानी है, आपने ये बताना है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है इसमें हम एक ही दवाई को ढूंढते हैं और वो दवाई जाके जो है आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट करती है. तो एनर्जी लेवल बोल दो वाइटल फोर्स की जगह, तो आपकी शायद थोड़ी लाइफ आसान हो जाएगी और पेशेंट को समझ में आ जाएगा कि आप एक्चुअली में हाँ क्या देना क्या चाहते हैं. होम्योपैथिक मेडिसिन से उसको पहले क्या मिलेगा, पहले यहाँ पे मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूँ. ओके, सिक स्टेट और डिजीज स्टेट, ये आपको मैंने प्रैक्टिकल चीजें हैं जो ऑर्गन से आई हैं, लेकिन इसको क्लिनिकल कैसे यूज करें, मैं पेशेंट से कैसे बात करूंगा कि वो डिजीज स्टेट नहीं लेता, मैं क्लिनिकल मैं सिक स्टेट लेता हूँ. अब जैसे कोरोना वायरस है, इसकी एक डिजीज स्टेट है, जब ये होगा तो इसके कुछ सिम्टम पैदा होंगे, जैसे कि इसमें सूंघना बंद हो जाएगा, टेस्ट चला जाएगा, सर दर्द होगा, बुखार होगा, खांसी होगा, ये उसकी एक डिजीज स्टेट है, वो उसको पार करेगा डिजीज. अब हम समझे कि इसमें सिक्स स्टेट कैसे माएंगे. अब होम्योपैथिकली क्या हम ये सब सीक्वेंस लेंगे जो हमें बताया गया कि हम पहले उसका सर दर्द बुखार खांसी, गले में खांसी है तो कैसी खांसी है, सूखी खांसी है या बलगम वाली खांसी है, टेस्ट आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है, तो ये शायद हमारा काम नहीं होगा. हमारा काम है कि हमें सिक्स स्टेट को ढूंढना है जो अफॉरिज्म में बोला वन में, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैन करना है जिसको कोरोना हुआ है. अब जब कोरोना किसी को हुआ है या कोरोना नहीं हुआ अभी, तो उसकी सिक्स स्टेट डेवलप हो जाती है लोगों की, पहले सिक्स स्टेट पहले डेवलप हो जाती है डिजीज स्टेट से पहले. जैसे कि किसी को चिंता हो गई कि डॉक्टर साहब मेरे आसपास पड़ोस में किसी को हो गया है, अब मैं तो सर घबरा रहा हूं, मेरी तो नींद भी नहीं आ रही, मैं तो चिंता में डूब गया कि मेरे को ना हो जाए, ये उसकी सिक्स स्टेट हो गई, ये डिजीज स्टेट नहीं है. अब ये सिक्स स्टेट जो है उसको डिजीज स्टेट में ले जाएगी, क्योंकि सिक्स स्टेट क्या करती है नुकसान बॉडी का, सिक्स स्टेट जो है उसकी इम्यूनिटी को लो कर देती है. जैसे हम सिक होंगे इम्यूनिटी हमारी डाउन होगी, एनर्जी हमारी वीक होगी और हम डिजीज की तरफ चले जाएंगे, ऑर्गन इन्वॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, ये हमारा मानना है प्रैक्टिस में, क्योंकि पेशेंट को समझाना है. अब पेशेंट जब डिजीज स्टेट में आता है तो आप सपोज करो आपने पूछना शुरू कर दिया पेशेंट से, ये बताइए कि आपको जो सर दर्द हो रहा है वो लेफ्ट में है कि राइट में है, आगे है कि पीछे है. अब कोरोना का अगर चलो कोरोना को छोड़ देते हैं, ब्लड प्रेशर का पेशेंट, चलो एक बुखार का पेशेंट ही आ जाता है आपके पास, अब बुखार में आप उससे पूछ रहे जीभ दिखाओ, पानी की प्यास लग रही है नहीं लग रही, क्या हो रहा है आपको, तो आप सिक्स स्टेट जानना चाहते हैं. सिक्स स्टेट में आप कवर कर रहे हैं उसकी पानी की प्यास को कवर कर रहे हैं, उसके नींद को, उसके इस चीज को कवर कर रहे हैं. लेकिन इसमें माइंड कैसे कवर होता है, सिक्स स्टेट में माइंड को कहाँ इंपॉर्टेंस मिलती है. ज्यादातर हम लोग फिजिकल लेवल पे ही सिक्स स्टेट को जानते हैं, जैसे कि उसको हमने नाक से देख लिया, उसका ड्राई नोज नोस्ट्रिल है, या उसका हाथ चॉप्ड है, या ये है, या सब कुछ देख दुख लिया, ऐसे करके ही हम लोग फिजिकल लेवल पे रुक जाते हैं. जब हम माइंड पकड़ते हैं तो माइंड जो है एक सोर्स है, माइंड का माइंड एक सोर्स है, जैसे कि रडार होता है, जैसे एक प्लेन को लैंड करना है, लैंड करना एयरपोर्ट के ऊपर, लेकिन प्लेन एक बॉडी है, ठीक है, वो अपने आप लैंड नहीं हो सकती जब तक उसको रडार नहीं बताएगा या उसको जो है एयरपोर्ट वाले नहीं बताएंगे कि कहाँ लैंड होना है और कैसे लैंड होना है. इसी तरह से हमारे शरीर में जब भी कोई चीज उत्पन्न होती है या कोई हमारे शरीर में कोई लड़ाई चल रही होती है या कोई बीमारी जब आ जाती है तो हमारा माइंड उसको रीड करता है. सबसे पहले जब हमारा माइंड उसको रीड कर लेता है तब हमें पता चलता है कि ये लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है. सपोज करो पेशेंट कहता है कि मेरा सर दर्द जो है वो लेफ्ट साइड पे है, ये उसको कैसे पता चला,
कि उसका सर दर्द लेफ्ट साइड पे है, क्या सर ने बताया उसको या उसको माइंड ने बताया कि दर्द है कहाँ, लोकेशन। जब लोकेशन पेशेंट बताता है तो लोकेशन उसकी बॉडी नहीं बता रही, ये उसका माइंड बताता है कि लोकेशन कहाँ है। जैसे गले में दर्द है तो हम क्या सोचते हैं कि लेफ्ट साइड की ये रेमेडी हो गई, राइट साइड की ये रेमेडी हो गई। ये एक सिक्स स्टेट की एक परिभाषा हो सकती है, लेकिन सिक्स स्टेट तब ज्यादा सिक्स स्टेट होती है जब माइंड इन्वॉल्व हो जाता है इमोशनली। हम सिक्स स्टेट को कैसे मानते हैं? मेरा स्टेट का मानने का तरीका ये है, बॉडी हेल्दी कब होती है? देखिए, आप हेल्दी बॉडी को पहचानने का, अगर आपको पेपर आपके पास लिखना चाहते हैं आप लिख लीजिए, लेकिन चलिए आप लिखिए कि अगर आपने पेशेंट को, मैं बताता हूं कि तुम सिक्स स्टेट में हो और हेल्दी स्टेट में क्या फर्क पड़ता है। पेशेंट जब पूछता है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मैं डॉक्टर हूं तो मुझे अपनी साइंस के बारे में पूरा पता होना चाहिए, कमांड होनी चाहिए। जैसे पेशेंट आपको पूछते हैं अगर मैं बीमार क्यों हुआ, हम बताते हैं कि वो बीमार क्यों हुआ। देखिए, हेल्दी स्टेट में क्या होता है, मैं माइंड से शुरू करता हूं। अब आप बोलेंगे जनरल वेलबींग होता है, ये पेशेंट को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर तो मेरा कहना है कि हेल्दी स्टेट का मतलब ये होता है कि जब इंटेलेक्चुअल जो है, ओके, माइंड द वर्ड्स, इंटेलेक्चुअल ओवर पावर द इमोशंस, इसका मतलब आप हेल्दी हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मैं हेल्दी हूं तो कैसे आप मुझे, मेरे अंदर कैसे पहचानेंगे कि मैं हेल्दी हूं? क्या मेरे लंग्स बताएंगे, मेरे हार्ट बताएंगे, मेरी किडनी बताएगी, मुझे कैसे पता कि मैं हेल्दी हूं? हेल्दी की एक पहचान है, वो पहचान ये है कि जैसे सपोज करो आपके यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई दुख आता है, कोई खुशी आती है, तो जब आपको कोई दुखी या कोई खुश होते हैं आप, तो आप एक लिमिटेड टाइम के बाद अपने ऑटोमेटिकली बंद कर देते हैं। जैसे कि मेरे को दुख हुआ, मेरे को किसी बात, अब दुख हुआ तो ये नहीं कि मैं सारा दिन बैठ के दुखी होता रहा, मुझे किसी आया किसी बात के ऊपर, मेरी कोई चीज खो गई और रोना आया तो मैं सारा दिन रोए जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। अगर मेरी कोई चीज खो गई तो इमीडिएटली मेरे इमोशन इन्वॉल्व होते हैं, मैं दो मिनट के लिए रोता हूँ, मेरा इंटेलेक्चुअल मुझे समझाता है कि इतना रोने की जरूरत नहीं है, ठीक है यार कोई चीज खो गई तो होता है ऐसे। दिस इज ए हेल्दी स्टेट। तो हेल्दी स्टेट की एक परिभाषा आप लोग अपने पास जान लीजिए, अगर आप पेशेंट को समझाते हैं कि जब तक आपका इंटेलेक्चुअल आपका स्ट्रांग है, आप अपनी शक्तियों को, अपने विल को, अपने विल को आप स्ट्रांग बना सकते हैं, जब तक आपकी विल स्ट्रांग है और बॉडी नहीं भी स्ट्रांग है तब तक भी आप हेल्दी स्टेट में हैं, ये हमारी सोच है क्लिनिकल। और अगर आप बीमार होते हैं तो इमोशंस जो है वो ओवर पावर कर जाते हैं इंटेलेक्चुअल को, इसका मतलब आप सिक्स स्टेट में चले गए। तो सिक्स स्टेट की परिभाषा मैं पेशेंट को ये समझाता हूं कि अब जो आप रो रहे हैं मेरे सामने, ठीक है, अब मैं पेशेंट को कह रहा हूँ भी रोने की कोई जरूरत नहीं है, आप ठीक हो जाओ। नहीं सर, मुझे कोरोना वायरस हो रही होगा, सर मुझे कोरोना वायरस हो रही होगा ना। अब ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, पेशेंट ने कहीं सुना कि किसी पड़ोसी को, उसके बहन भाई चाचा किसी को कोरोना वायरस हो गया, अब वो फोन करता है उसको कोरोना वायरस नहीं हुआ, यह इंटेलेक्चुअल फेलियर हो गया। अब वो समझने को तैयार ही नहीं है कि भैया कोरोना वायरस जो है वो जबलपुर में हुआ था, आप दिल्ली में है, आपको नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं उसको समझा रहा हूँ एज ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ, मैं उसको बता रहा हूँ नहीं होगा, ऐसे कोई बात नहीं है, सर कोई दवाई दे दीजिए मेरे को। अब यहाँ देखिए उसका इंटेलेक्चुअल फेल हो गया। एक ये जो पेशेंट है ये MBA किया हुआ है, ये इंजीनियर है, ये IT सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, एक गांव का मजदूर भी, लेबरर भी हो सकता है। इमोशंस सब एक जैसे होते हैं, इमोशन में कोई फर्क नहीं होता, सिम्टम वेरी कर जाते हैं। आप किस लोकेशन में रहते हैं, आप अच्छी पॉश कॉलोनी में रहते हैं, आप एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ क्लस्टर है, वहां सिम्टम वेरी कर जाते हैं, लेकिन इमोशंस जो होते हैं वो वेरी नहीं करते। एक गरीब आदमी भी आपको वही इमोशंस देगा जो एक अमीर आदमी देगा। तो बात यह हुई जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिक्स स्टेट उसको कहते हैं जब इमोशंस जो हैं आपके वो इंटेलेक्चुअल के कंट्रोल में नहीं आते। आपको जो है दिमाग समझाना चाहता है कोई खतरा नहीं है, नहीं सर खतरा है, सर मैं फेल हो जाऊंगी, अरे भाई क्यों फेल हो जाओगे, पढ़ लो, सर मैं बहुत पढ़ी थी मुझे लगता है मैं फेल हो जाऊंगी, अरे भैया नहीं होगे फेल, पढ़ो। अब बात है जैसे जैसे एग्जाम पास आने लगे आपका इंटेलेक्चुअल फेल होना शुरू हो गया, आपके इमोशंस जो है आपको ओवर पावर करने लगे और आप सिक्स स्टेट में चले गए। अब सिक्स स्टेट किसको कहते हैं, आप उदास रहने लग गए, चिड़चिड़े रहने लग गए, खाने का मन नहीं कर रहा, कुछ पीने का मन नहीं कर रहा, पिक्चर देखने का मन नहीं कर रहा, चुपचाप बैठे हुए ग्लूमी होके बैठ गए, ठीक है। अब जब इस स्टेट में आप चले जाते हैं इसको हम कहते हैं सिक्स स्टेट।
जब पेशेंट आता है आपके सामने, वो आपको डिजीज स्टेट प्रेजेंट करता है, सर मेरे को गला खराब है, बहुत खराब है सर, मैं ठंडा पानी पी लिया, मेरा गला खराब हो गया। अब आप डिजीज स्टेट पे ही टूट पड़ते हैं, इसके अंदर सिक्स स्टेट को ढूंढिए, ठीक है, आपका गला खराब कब से हुआ, तीन दिन से डॉक्टर साहब, तीन दिन से गला खराब हुआ, क्या किया तुमने तीन दिन से, सर पहले तो मैंने कुछ नहीं किया, क्यों नहीं किया, सर मैंने सोचा मैं ठीक हो जाऊंगा, तीन दिन से उसको खराब है, गला खराब है, पहले दिन उसने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि उसकी जो विल थी, जो इंटेलेक्चुअल था वो स्ट्रांग था, इंटेलेक्चुअल ने उसको कहा अभी कुछ नहीं होने वाला है, अभी दो दिन देखते हैं, अब देखो यहाँ पे वो आया नहीं, दवाई लेने नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि इसका इंटेलेक्चुअल अभी वीक नहीं था, क्या गले ने उसको कहा कि तू जा अभी दवाई ले, तेरा गला खराब हो गया, नहीं, गला कोई सिग्नल नहीं दे रहा, हाँ प्रॉब्लम थोड़ी वीक थी, जब प्रॉब्लम वीक होगी तो माइंड स्ट्रांग होगा, ये ध्यान रखिए मेरी बात को सुनिएगा, जब प्रॉब्लम वीक होगी माइंड स्ट्रांग होगा, पेशेंट नहीं आएगा, जब प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो जाएगी, माइंड वीक होना शुरू हो जाएगा, पेशेंट घबरा जाएगा, एंग्जाइटी में जाएगा, फियर में जाएगा, वो डर के मारे डॉक्टर के पास आ जाएगा, इसको हम कहते हैं सिक्स स्टेट को प्रेजेंट करना। लेकिन चलता हूं कि जब मैं प्रैक्टिस में गया तो मेरे साथ हुआ क्या, मेरे को प्रैक्टिस करने में अभी चार पांच दिन ही बीते थे और हम प्रैक्टिस में बैठे, अपनी क्लिनिक में बैठ गए, तो एक पेशेंट आया, अंदर आते ही और जैसे मैं बैठा हूं अपना किताब खोल के बैठा था ऐसे ही, तो एक पेशेंट सीधा से एंटर हुआ और मुझे देख के घबरा गया, तो मतलब ऐसा मतलब एंट्री ऐसे हुई, ऐसे लगा कि वो मुझे देख के थोड़ा नर्वस सा हो गया। अब उसने क्वेश्चन पूछा मेरे से, डॉक्टर साहब कहाँ है, चलिए ठीक है, बात तो इज्जत के ऊपर आ गई, अभी हम तो खुद ही डॉक्टर है और हमसे ही पूछा जा रहा कि डॉक्टर कौन है, तो उसने कहा, मैंने कहा जी मैं ही हूँ डॉक्टर, तो बोला नहीं मैं होम्योपैथी डॉक्टर से मिलने आया, तो मैंने कहा जी मैं ही हूँ होम्योपैथी डॉक्टर, हो सकता है आपके साथ भी हो जाए, ऐसी बड़ी बात नहीं है, तो मैंने कहा मैं ही होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, तो बोला नहीं भाई होम्योपैथी डॉक्टर तो बुढ़े से होते हैं, सफेद बाल दाढ़ी वाली लगी होती, तुम तो बड़े यंग हो यार, तुम कहां से बन गए होम्योपैथी डॉक्टर, मैंने कहा हमारे को तो आप जो हम लेटेस्ट है, हम यंग लोग ही आ रहे हैं, तो ये बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है किसका है, डॉक्टर योगेश सहगल, मैंने कहा हमारे, अच्छा भाई ये बताओ ये जो डिग्री है ये क्या लिखा हुआ तुमने डिग्री के नीचे, आपने डिग्री क्या लिखी है, मैंने कही DHMS, क्या मतलब होता है इसका, हमें बता दी डिप्लोमा इन होम्योपैथी मेडिसिन से, तो अच्छी डिग्री, चलो पक्का डिग्री तो क्या तुमने ही ली है, अच्छा भाई अब बात है कि समझ में नहीं आ रहा कि वो मेरा केस ले रहा है या मैं उसका केस ले रहा हूँ, अब थोड़ी देर हिम्मत हुई तो मैंने उसको कहा बैठ जाओ भाई, अब वो जो है मैंने कहा बैठो बात करें, बैठिए आप, वो बैठ गया, थोड़ा सा उसको घबराहट सी हो रही थी, उसने क्या किया एक फाइल लेके आया था और उसने वो फाइल जो है मेरे को पकड़ाई, ये लीजिए डॉक्टर साहब फाइल, इसको देखो, मैंने फाइल खोली देखा क्या लिखा है डॉक्टर साहब इसमें, मैंने कहा इसमें लिखा है ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्या होता है डॉक्टर साहब ऑस्टियोआर्थराइटिस, मैंने कहा अब ऑस्टियोआर्थराइटिस एक तरह से बीमारी है जॉइंट सी, कोई बीमारी है किसी ज्वाइंट की, अच्छा कहाँ लिखा है ये बीमारी होती है, अब हमने पढ़ा मैंने कहा घुटने में लिखा है, अच्छा नी में लिखा है, अच्छा ये बताओ नी कहाँ होता है, अब बता दिया मैंने, अभी शुरू में बैठे थे बता दिया अभी ये होता है घुटना, पता है तुम्हें इसका मतलब, अच्छा ठीक है, अच्छा ये बताओ कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस को होम्योपैथी में क्या कहते हैं, घबरा गया भाई, ऑस्टियोआर्थराइटिस को होम्योपैथी में क्या कहेंगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस को होम्योपैथी में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस ही कहेंगे ना, जो लिखा गया हम उसमें कोई नई बीमारी थोड़ा ऐड कर देंगे, तो मैंने कहा जी जो लिखा है वही ऑस्टियोआर्थराइटिस, होम्योपैथी में भी हम उसी को मान के इलाज करेंगे, भाई नहीं ऐसा नहीं होता, जो एलोपैथी है वो अलग है होम्योपैथी अलग होती, तो मैंने कहा जो डायग्नोस का तरीका है वो तो सेम ही है, हाँ दवाई देने का तरीका अलग होता है, अच्छा अभी ये बताओ कि तुमने ऑस्टियोआर्थराइटिस के कितने केस ठीक किए, मैंने कहा मैं तो अभी एक अब मैं चार पांच दिन पहले तो आया हूँ प्रैक्टिस के अंदर, मैंने कौन सा केस ठीक कर लिया ऑस्टियोआर्थराइटिस के, मैंने कहा मैंने तो नहीं किया, हाँ मेरे टीचर ने जरूर किए ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस, उन्होंने जरूर किए होंगे, अच्छा भी ऐसा है मेरे को ना अपने टीचर का नंबर दे दो, हम फंस गए, अच्छा अच्छा था उस समय मोबाइल फोन नहीं था, आज के टाइम में तो आप मना भी नहीं कर सकते, मैंने कहा टीचर का नंबर तो नहीं, और वैसे भी आप हम नंबर देके पेशेंट का नंबर आपको जो है वो दे नहीं सकते,
नहीं, मैं पेशेंट से बात नहीं करूंगा, मैं पेशेंट से डायरेक्टली बात करूंगा, करूंगा भी तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि डॉक्टर सैगल ने मुझे बताया है, आप मुझे पेशेंट का नंबर दे दो। अब देखिए पेशेंस रखनी पड़ रही है यहाँ पर, यंग ब्लड है, सामने एक पेशेंट बैठा है, सबसे पहली बात है कि आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। अब मेरे समझ में नहीं आया कि मैं केस शुरू करूँ या केस शुरू कब करूँ। अब ये भाई बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, फिर ये बोलने लगा कि भाई ये बाहर एक और नाम लिखा है डॉक्टर एम एस सहगल, ये कौन है? ये हमारे फादर है। अच्छा, तो तुम अपने सारे केस उनसे डिस्कस करते होगे? मैंने कहा हाँ जी, जब जरूरत पड़ती है तो कर लेते। अच्छा ठीक है, देखो ये माँ सुनो, तुम यंग हो, मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, मेरे केस पे ना पूरा ध्यान देना। अच्छा जी, देंगे ध्यान, जरूर देंगे ध्यान, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे जो सोसाइटी है ना, वहां पे 100 फ्लैट है और वहां पे मेरे जैसे जो है कम से कम 25-30 लोग होंगे। अगर तुमने मेरी बीमारी ठीक कर दी ना, तो मैं तुम्हारे यहाँ सारे लोग यहाँ ले आऊंगा, तुम्हें फुर्सत नहीं मिलेगी। ठीक है जी, ले आना। अब मैंने कहा वो केस की बात भी कर ले, ये बीमारी है भी कैसे हुई क्या हुआ। तो कह रहा है मेरे को कुछ थोड़े दिनों से मेरे को पेन रहने लगा घुटने में, चलने में, ड्राइविंग करने में तो मुझे पेन महसूस होता। तो मैंने अपने दोस्त से डिस्कस किया स्कूटर को किक विक मारते वक्त भी कि यार ये दर्द हो रहा, तो उसने कहा भी इन्वेस्टिगेशन करा लो। तो सर पहली बात तो है कि मेरा मन नहीं था इन्वेस्टिगेशन कराने का मेरे, तो मैंने कहा यार ऐसे ठीक है, मैं टालता रहा। अब कौन इन्वेस्टिगेशन कराएगा, पता नहीं डॉक्टर क्या बता देगा, क्या निकले इसमें घुटने के अंदर क्या निकालेगा। नहीं ठीक हो रहा था तो मैंने जैसे तैसे करके एक्सरे करवा लिया डॉक्टर साहब। अब एक्सरे की जो रिपोर्ट आनी थी ना, तो मैं अभी रिपोर्ट लेके सीधा आपके पास ही आ रहा हूं, मैंने रिपोर्ट देखी भी नहीं। मैंने अपने दोस्त को फोन किया कि यार बात सुन, उसको बताया अपने दोस्त, मेरे साथ ही था, कि यार देखियो क्या है इसके अंदर, लेकिन मुझे बात बताइए तू। तो उसने कहा यार कुछ कुछ घुटने में प्रॉब्लम है, हड्डियों से रिलेटेड है। मैंने डॉक्टर से भी ज्यादा जानकारी नहीं ली, मैं सीधा आपके पास आ गया। तो सर ऐसा है कि भाई मैं, मेरे को तो अगर कोई कह देना ECG करवाना है या कोई चेकअप कराना, तो सर मैं तो लगता है कि वहीं मर जाऊंगा अगर कुछ आ गया तो। मुझे तो ये डर लगता है कि कहीं कुछ आ ना जाए, अगर मैं तो, मैंने आता है डॉक्टर साहब कोई ब्लड रिपोर्ट भी नहीं कराई मैंने आपने डर के मारे। और सर बात ये है कि आप ना मेरा केस ना ध्यान से लेना, ये ना हो कि अभी मेरी एक टांग में प्रॉब्लम है दूसरी भी चली जाए। आई डोंट माइंड स्टेइंग विद वन प्रॉब्लम विद वन लेग, लेकिन मेरे को ऐसा ना हो कि आपको, आपको ना अगर समझ में आए मेरा केस प्रॉपर तो दवाई देना, अगर आपको नहीं समझ में आया ना सर तो दवाई मत देना आपने। अब देखिए हमारे पास केस चल रहा है, केस मेरे को समझा रहा है कि भैया दवाई देनी है कि नहीं देनी। अब देनी हो तो देख लेना, खतरा ना हो कि मेरी दूसरी टांग भी चली जाए। अभी तो मैं चल फिर रहा हूँ, ये ना हो कि आप चलने फिरने से भी मेरी जिंदगी खत्म हो जाए मेरी। अब जैसे ऐसे करके हमें, क्योंकि हमने, मेरे फादर हमारे बैकग्राउंड में थे तो उनकी प्रैक्टिस सुनते रहते थे, तो दवाई का तो पता चल गया। अब देखिए मैंने अभी तक यहाँ पे फिजिकल कोई बात नहीं हुई, घुटने में दर्द किस तरह से होता है, चलने से होता है, रेस्ट करने से आराम आता है, फैमिली हिस्ट्री क्या है, अभी ये बातें सुन रहे हैं एक बड़ी कैजुअल, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, बड़ी कॉमन बातें पेशेंट कर रहा आपके साथ, आपको लगेगा स्टोरी, कोई स्टोरी चल रही है आपके पेशेंट के बीच में, कम्युनिकेशन चल रहा है। तो मैंने कहा चलो ऐसा है जी, मैं दवाई आपको दे देता हूँ। तो कहता चलो ठीक है, लेकिन ऐसा डॉक्टर साहब दवाई आप ही बनाना, अपने कंपाउंडर से मत बनवाना, पता नहीं आप दवाई क्या लिखो और कंपाउंडर क्या दे दे। तो मैंने कहा वो पढ़ी लिखी, वो भी कंपाउंडर है मेरे साथ जो है, वो फादर के साथ काम कर चुकी है, शी नोज अबाउट दिस होम्योपैथी। नहीं 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 सर, दवाई तो आप ही बनाना। ठीक है जी, दवाई हम बना देंगे। अब दवाई बना दी, वो वापस आ गया, दवाई अभी लेके बाहर ही गया था, फिर वापस आ गया। सर वो सारे सिम्टम आपने नोट कर लिए जो मैंने बताए थे? मैंने कहा हाँ जी, जो आपने बताए थे मैंने सारे नोट कर लिए। नहीं देख लो कोई बची आओ तो दवाई बदल लियो, तो अभी बदल लो, मेरे को कोई जल्दी नहीं है। मैंने कहा जी हो गया आपका केस, आप दवाई लीजिए हो जाएगा। नहीं देख लो, अपने फादर से पूछना हो तो पूछ लेना। कहता जी ठीक है, हमारे फादर से मैं पूछ लूंगा, आप अभी जाइए दवाई ले लीजिएगा। खैर किसी तरह से मैं टाल मटोल करके उसको घर भेज दिया। एक हफ्ते बाद हमने कहा था उसको आना, तो एज यूजुअल जब नए प्रैक्टिस में आप जाएंगे तो आपका दिमाग, जो जिन जिन पेशेंट को आपने दवाई दी होगी उसके सारे आप रूटीन देखेंगे भी, वो कब आने वाला है, 2 दिन 4 दिन 6 दिन, तो आपकी जो दरवाजे पे नजर रहेगी कि वो आएगा और क्या कहेगा। तो सुनना तो सब यही चाहेंगे कि डॉक्टर साहब मैं ठीक हो गया, वाह वाह कमाल हो गया, मजा आ गया। लेकिन 80% केसेस में ऐसा होता नहीं है, तो ये भी आपको ट्रेन होना पड़ेगा। खैर एनीवे, जो 6 दिन निकल गए तो मैं कभी कभी अपने फोन को उठा के चेक कर लेता था, भाई बज रहा है ना, पता नहीं वो आएगा भी कि नहीं आएगा, क्या हुआ दवाई के बाद। अब तो फोन आ गया, चलो पहली बात तो फोन तो आ ही गया, हम बड़े खुश हुए, चलो फोन आया, बातचीत शुरू हो गया। हाँ जी कैसे हो सर? ठीक हूँ।
चलिए अच्छी बात है, हम सोचे यार अच्छा हो गया हमारे, हमने दवाई दी और वो कहता मैं ठीक हूँ। लेकिन सर एक बात बतानी है आपको, मैं दवाई तो खाई नहीं, हमारे तो हमारे का मतलब ये क्या मुसीबत हो गई, दवाई नहीं खाई हमने, इतनी मेरी मेहनत करी, मैं दवाई क्यों नहीं खाई। सर मैंने कहा पूछ लूँ कि भाई आपने अपने फादर से बात कर ली, उन्होंने कुछ कहा आपको? मैंने कहा हाँ जी, उन्होंने कहा बिल्कुल दवाई परफेक्ट है आप खा लो। सर आप कह रहे हो तो खा लेते हैं, आपने सिम्टम नोट कर लिए थे ना प्रॉपर? हाँ जी कर लिए थे। अब शायद उसने फिर दवाई खाई और वो पेशेंट जो है फिर वो धीरे धीरे आने लगा और उसको आराम भी आया, उसको आराम आया और वो 2 महीने तक वो रहा मेरे पास और तारीफें करता रहा। सर बस तुम ना इसी तरह से मेहनत करा भैया, यंग हो मेहनत करो, लाइने लग जाएंगी तुम्हारे। लेकिन जब वो चला गया तो लाइन तो कभी लगी नहीं उसके बाद, आने के बाद। तो एक तरह से ये केस टेकिंग है। अब यहाँ पे एक तरह की केस टेकिंग आप सोचोगे ये कौन सी अजीबोगरीब केस टेकिंग हुई। तो जब पेशेंट जब आपके सामने आता है, जब वो केस देना चाहता है तो ये उसकी मर्जी है वो क्या बताना चाहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने वर्ड उसके अंदर मुंह में डालते हैं। अच्छा ये बताओ भी लेफ्ट हुआ राइट हुआ, अब पेशेंट के मन में ये था ही नहीं बताना कि लेफ्ट है कि राइट है। अच्छा मुंह सूख रहा है या पानी पियोगे, ये वो सोच के नहीं आया था। उसको पता भी ये कौन से क्वेश्चन है कि पानी पीना है कि नहीं पीना, पानी सभी पीते हैं, मैंने कौन सा पीना है कि नहीं पीना। अच्छा जीभ दिखाओ, चलो जीभ दिखाना एक फैशन है, चलो जीभ आसानी से दिखा भी लेते हैं, टेम्परेचर भी निकलवा लेते हैं, बीपी भी चेक करवा लेते हैं। अब कई पेशेंट आए शुरू शुरू में, सर देखना मेरी पल्स देखना जरा। तो हमने कभी हम पल्स वाले डॉक्टर नहीं है, हम तो होम्योपैथी डॉक्टर। खैर ऐसे एक कहानी है। अब बताइए कि इस पेशेंट का क्या करें, कुछ समझ में आया आपको? आप तो खैर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में है, हमें तो पल्ले भी नहीं पड़ रहा था कोई चीज इसके मामले में। कोई फाइनल ईयर का हो तो कुछ समझ में आया हो तो आपको लिख सकते हैं कि क्या बात हो रही थी मेरे और पेशेंट के बीच में, और इसी से हमने दवाई सिलेक्ट कर ली। क्योंकि जो उसके माइंड में चल रहा था पेशेंट के, तो हम क्या करते हैं कि आप हम सिखाते ये हैं कि पेशेंट उस समय जब पेशेंट आता है आपके पास, हमें ये समझना है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। मैं उससे अगर पूछूंगा भी आपको जो है चलने से दर्द होता है, बैठने से आराम आता है, ये तो मैं उसको बता रहा हूं। लेकिन अगर आप पेशेंट को फ्रीडम देंगे, अच्छा आप बताओ जी क्या हो रहा है आपके साथ, चलो आप बताओ, डॉक्टर दर्द जो है राइट साइड पे है। अच्छा फिर क्या होता है जब राइट साइड पे दर्द होता है? डॉक्टर मैं लेटा हुआ हूँ बिस्तर पे, काम कर रहे हो? इस समय काम नहीं कर रहा, लेटा हुआ काम ही नहीं कर रहा, काम पे नहीं गया 2 दिन से। सर ही वॉज हैविंग फियर ऑफ हिज प्रॉब्लम एंड वॉज डाउटफुल। हाँ बड़े अच्छे हैं, आप कौन से में है, ये आईफोन आप फाइनल ईयर में है, आपको नहीं पता। सो हाउ टू बी अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट दैट व्हाटएवर यू सी डोंट हेसिटेट टू आस्क द पेशेंट। कुछ भी आपको कुछ नहीं पूछना है कि आपने ये बिंदी क्यों लगाई, आपने नाक पे ये क्यों लगाया, ये नथ क्यों लगाया, या बाली क्यों पहनी, ये बाली कहाँ से ली, किसने दी, जो मन में आता पूछो, आपका राइट है। ठीक है, यहाँ आपको कोई डरना नहीं है। अब दूसरी चीज ये है कि जो पेशेंट बोलता है वो उसका राइट है, दोनों के राइट बराबर है। जितना मेरा राइट है उतना ही राइट पेशेंट का है कि वो मुझसे जो पूछ सकता पूछेगा, मैं उसको रोक नहीं सकता, जो उसके मन में है वो बताएगा मेरे। अब बात अगर पेशेंट आपसे कहता है डॉक्टर ये क्या उलझुल क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये भी एक इन्फॉर्मेशन है। फोर्थ प्रोफेशनल में हो तुमने ये बात तो समझ में आ गई कि वो डाउट में है, वेरी गुड वेरी नाइस। अब जो एक कुशल है उन्होंने भी लिखा है फियरफुल और डाउटफुल, ठीक है दो जने, और भी कोई लिखना चाहते हैं तो आप लिखिए। हाँ जी बिकॉज ही थिंक्स ओनली ओल्ड पीपल आर होम्योपैथ्स। हाँ ओके, ये एक उसके मन में था, ये लेके आया था, वेरी गुड ठीक है। देखिए इसी चीज को जैसे आपने लिखा वो उसके दिमाग में, अब जैसे ये प्रेजुडिस आपने लगा कि उसका प्रेजुडिस है, लेकिन होम्योपैथ में ओल्ड लोग होते हैं ऐसा क्यों मान के आया वो? क्योंकि उसको लगा था कि ओल्ड एक्सपीरियंस होगा, यंग वाला एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो ज्यादातर क्या है, कई पेशेंट जो है वो ओल्ड लोगों को प्रेफर करते हैं जैसे एक्सपीरियंस हो। जैसे हम पेशेंट से पूछते हैं, मैं अपनी प्रैक्टिस में पूछता हूँ आप मेरे पास क्यों आए, ये बड़े आप सोचेंगे ये कौन सा क्वेश्चन है आप मेरे पास क्यों आए। लेकिन मैं पूछता हूँ कई पेशेंट से, अच्छा ये बताइए आप मेरे पास क्यों आए? सर आपका नाम सुना है, सर आप बड़े क्वालिफाइड हैं, सर आप फॉरन भी जाते हैं, सर आपका एक्सपीरियंस भी बहुत है। तो मैं उससे पूछता हूँ काउंटर क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर कोई मेरा बेटा है उसको एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको नहीं दिखाओगे? नहीं सर, मैं यूजली उसी के पास जाता हूँ जिसको एक्सपीरियंस होता है। देखिए ये है मेंटेलिटी ऑफ द पेशेंट, हम इसको क्या कहते हैं, मेंटेलिटी ऑफ द सिक पर्सन। वो सिक है, आज वो सिक है, डिजीज नहीं है, ठीक है। बिकॉज ही थॉट ओल्ड पीपल आर एक्सपीरियंस, वेरी गुड, यही उसको लगता था। आपने सही दिया कुशल नंदा, आप भी सही जा रहे हैं, आपने कहा कि उसको लगता था कि ओल्ड लोग जो है एक्सपीरियंस होंगे। अब एक्सपीरियंस के पास क्यों जाना चाहेगा आदमी, यंग के पास क्यों नहीं जाना जाएगा? इसको एक स्टेप आगे बढ़ते हैं,
इसको कहते हैं केस टेकिंग का पैमाना, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड कि एक आदमी, एक पेशेंट जो है वो एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास ही क्यों जाता है, डर किस चीज का डर, इसको भी लिख दीजिएगा। वेरी गुड, आप तो बिल्कुल गोल के पास पहुंच गए हो, एक शॉट मारोगे और गोल के अंदर घुस जाओगे सीधी। बिकॉज एक्सपीरियंस मैटर अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी नॉर्म, यहाँ थोड़े से आप थोड़े से डिवाइड हो गए, दे वॉन्ट बी एबल टू ट्रीट यू प्रॉपरली बिकॉज ही थिंक एक्सपीरियंस डॉक्टर कैन ट्रीट बेटर, ये भी ठीक लिखा आपने। लेकिन ये सोसाइटी नॉर्म्स वाली चीज है, ये थोड़ी सी अलग हो गई। यहाँ सही शहीन सो दैट ही कैन गेट वेल सून मे बी, हाँ फ्रॉम एन एक्सपीरियंस डॉक्टर। ऐसे पहुंचा आपको मैं समझाना चाहता था, आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। क्वेश्चन स्पीक्स कंटिन्यूसली, ठीक है, बिकॉज ही इज कॉन्शियस अबाउट हिज हेल्थ, बिल्कुल ठीक जा रहे हो। या उसने ऐसे केसेस देखे होंगे, ठीक है, ये भी बात है। क्वेश्चनिंग हो रही है, आप लिखो, मेरे को अच्छा लग रहा है, आप एनकरेज कर रहे हो मेरे को शायद, ठीक। और लिखिए कि क्या, जैसे सपोज करो आप ही पेशेंट हो, अब अपने को पेशेंट बनाओ। देखो जब पेशेंट आता है ना, आपको लर्न कैसे करना है, उस समय आपको खुद पेशेंट बनना है, सेम टू सेम कॉपी करनी है उसकी। आपके सर में दर्द हो रहा है, ठीक है, पेशेंट कहता है मेरे सर में दर्द, ऐसा दर्द होता था, मन करता सर फोड़ दो। अब ये उसने कहा, अब आपको ये लेना है, आपके सर में दर्द हो रहा है और आपका मन कर रहा है मैं सर फोड़ दूं, ये एग्जैक्टली इसको कॉपी करना है आपके फीलिंग को, तो आपको पता चलेगा कि ये मेरे को क्यों आ रहा है मेरे मन में कि मैं सर फोड़ दूं दीवार से, ऐसा क्यों आ रहा है। इसका कोई रूप, इसका कोई रूप, अगर आप मटेरियल मेडिकल में जाएंगे, पेशेंट ये कहता है कि सर दर्द हो रहा है, मेरा मन करता है मैं दीवार सर पर फोड़ दूं, ये कहीं नहीं मिलने वाला, आप घूमते रह जाओगे। अब पेशेंट तो बोल के चला गया, अब आप मारो दीवार, दीवार अपना अपना सर फोड़ो मटेरियल मेडिकल से, ये भाई साहब ये क्या कह गए हो, दवाई भी बता जाते जाने से पहले। अब पेशेंट ने दवाई तो बताई नहीं, वो अपनी लाइन बोल के भाग गया। तो यहाँ पे क्या है कि पेशेंट अपने इमोशंस, ये उसके इमोशंस हैं। क्यों पेशेंट को ये लगता है कि जब सर दर्द होता है वो अपना दीवार सर पे मार दे, क्यों ऐसा आता है उसके मन में, ये पूछना है हमने। क्यों भाई, अपना अगर तुम दीवार सर पे मार दोगे तो सर फोड़ दोगे ना अपना, क्या कभी मारा है तुमने, कभी मारा अपना सर दीवार पे सर दर्द के वक्त? नहीं सर, मारा नहीं है, मन करता है सर, देखो सर तो नहीं कह रहा ना कि दीवार से सर फोड़ दो, कौन कह रहा है उसको दीवार, अपना जो सर है वो दीवार पे मार दो, कौन कह रहा है, लिखो कौन कह रहा है इसका, सर कह रहा है या मन कह रहा है, लिखिए सर कहता है या मन कहता है कि मैं अपना सर जो है दीवार से फोड़ दूं सर दर्द में। अवर ओन विल, माइंड, मन, मन मन लिखो, माइंड इंग्लिश मत बोलो, मन, मन की बात सुनो बस। जो मन को पहचान गया वो तन को पहचान गया, जिसने तन को पहचाना तो वो मन खा गया, हंसी है, ठीक है। वो आके बोलता है सर मेरे को और कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब मुझे, मैं क्या करता हूं जब मुझे खांसी होती है ना तो मैं घबरा जाता हूं यार कि सर कैंसर तो नहीं है। अब खांसी ठीक करे या उसका ये डर ठीक करे, बताओ जी क्या डर, देखो सब लिख रहे हैं डर ठीक कर दो। अब एलोपैथी और होम्योपैथी में क्या फर्क होता है, एलोपैथी और होम्योपैथी में क्या फर्क है, यही लाइन अगर पेशेंट जाके एलोपैथ को देगा कि सर मेरे को जब खांसी होती तो डर आता है, वो क्या कहेगा, साइकेट्रिक के पास चला जा भाई तेरा दिमाग खराब हो गया। हम इसको डील करेंगे, उसका डर जो है उसका ओरिजिन कहां से हुआ, डर का ओरिजिन कहां से हुआ, लिखा माइंड से। अब बात यह कि इसको हम कहते हैं माइंड को बेटा, इसको हम कहेंगे फीलिंग्स, ठीक है, उसकी फीलिंग, मन को कहते हैं फीलिंग। तो आपने माइंड वर्ड यूज नहीं करना, ठीक है, आपने यूज करना है मन या फीलिंग, ये उसकी अपनी फीलिंग है, पर्सनल इंडिविजुअल फीलिंग आती है कि डॉक्टर साहब मेरे को जब खांसी होती है मेरे को डर आता है कहीं कैंसर तो नहीं हो गया मेरे को। अब हमें क्या फोकस करना है, अगर आप खांसी पे फोकस करोगे, ठीक है, खांसी कैसी है, बलगम पीली है, बलगम नीली है, बलगम ते हैं, ये खांसी से तुम डरते क्यों हो, यहां फोकस कर दो, उसको पलट दो। उसने क्या कहा, डॉक्टर साहब जब मुझे खांसी होती है तो मुझे डर होता है कहीं कैंसर तो नहीं हो गया, अब इसको फोकस कर लो। भैया ये बताओ तुम डर क्यों रहे हो, सर मेरा एक पड़ोसी था उसको खांसी थी डॉक्टर साहब बहुत दिनों से, वो दवाई लेता रहा था, पता चला उसको कैंसर, वो मर गया। तो सर जब मुझे खांसी हुई तो मैं भी डर गया कि यार मेरे को कैंसर है, कहीं ये ना हो कि मैं भी मर जाऊं। अब बात ये आती है कि देखिए ये केस टेकिंग हमने शुरू कर दी, यहां से हमारी केस टेकिंग का पहला पड़ाव पड़ा, उसके डर से एंटर हुए केस में, ना कि हम उसकी खांसी से एंटर हुए। अब क्या होता है कि एलोपैथी में आप उसकी खांसी तो ठीक कर दोगे, आप कफ सिरप दे दोगे, होम्योपैथी में कफ एड दे दोगे, खांसी के उसको टॉनिक पिला दोगे, सब पिला दोगे, उसकी खांसी कंट्रोल कर लोगे, उसका डर नहीं जाएगा।
देखिए पेशेंट आपको बोला डॉक्टर साहब खांसी तो मेरी 50% ठीक हो गई, लेकिन जो डर था ना कैंसर का वो मेरे दिमाग में अभी भी बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने खांसी पे अटैक किया, टोटलिटी पे, उसकी सिकनेस पे अटैक नहीं किया। पेशेंट सिक खांसी से नहीं हुआ, वो तो डिजीज सिम्टम था, खांसी सिक सिम्टम हुआ उसका डर कहीं मुझे कहीं कैंसर तो नहीं हो गया, आपने वो ठीक करना है, खांसी के पीछे मत पड़ जाना, ये इंडिविजुअल है। अब आप कहेंगे ये हर खांसी वाला ऐसा बोलेगा कि मेरे को कैंसर तो नहीं है, नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे, हर खांसी वाले को अलग अलग तरीके से अपनी खांसी बताएगा। डॉक्टर साहब जब मेरे को खांसी होती है ना तो मेरे को ना पुरानी बातें याद आनी शुरू हो जाती है। देखिए खांसी के साथ मन जुड़ जाता है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, फिजिकल सिम्टम के साथ मन का जुड़ना निश्चित है, प्योर है, पवित्र है, ये पवित्र बंधन है, मन और बॉडी एक पवित्र बंधन से बंधे हुए हैं, ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते। जब भी बॉडी में कोई हलचल होगी तो जो आपका मन है, जो आपका माइंड है, वो जुड़ जाएगा, एकदम जुड़ जाएगा उसके साथ। और देखिए जब आप अच्छी दवाई देंगे, जब आप सिम्लिमम देंगे तो ये डिटैच हो जाएंगे, जैसे ये डिटैच हो जाएंगे आप समझ जाना आपकी दवाई ठीक है। दिस इज द मोस्ट परफेक्ट एक्शन ऑफ सिम्लिमम। जब तक आप बीमारी से अटैच रहेंगे, आपने दवाई दे भी दी, मन आपका बीमारी से अटैच है, तब भी आप बीमार ही कहलाए जाएंगे, आप ठीक नहीं हुए, आपने एक राइट रेमेडी दे दी, सिम्लिमम नहीं दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जिनको समझ में आई यस लिखें, और जिसको नहीं समझ में आई नो लिखें, मैं दोबारा समझा देता हूँ। अगर आपको लगता है ये इजी वे है समझने का लिखिए यस, और मुश्किल वे है तो लिखिए नो। चलिए आपने लिखा, अच्छी बात है, आप समझ रहे हैं, यही मैं पेशेंट को समझाता हूँ। पेशेंट पूछता है एलोपैथी और होम्योपैथी में क्या फर्क है सर, वो भी खांसी ठीक करती है, आप भी खांसी की दवाई दोगे? मैं उसको बोलता हूँ नहीं, मैं खांसी की दवाई नहीं दे रहा तेरे को, मैं बुखार की दवाई नहीं दे रहा तेरे को, मैं दे रहा हूँ जो तेरा डर है ना अंदर बैठ गया। सर मेरे को डर की दवाई नहीं चाहिए, डर तो ऐसे ही होता है। अरे भैया डर नहीं है, ये जुड़ गई है तेरी बॉडी के साथ, डर जुड़ गया है, तू खांसी ठीक करवा ले 10 साल तक भी, तेरा डर बना रहेगा पूरी उम्र। हम डर जब निकाल देंगे तो खांसी ऑटोमेटिकली चली जाएगी। देखिए बॉडी खांसी को ठीक करना, हमारा लक्ष्य खांसी ठीक करना है, लेकिन हम हेल्प किससे ले रहे हैं? हम हेल्प ले रहे हैं फियर से, फियर जो ओवर पावर कर रहा है आपके इमोशंस को। अब मैं पेशेंट से बोलता हूं कि ये बता तुम्हारा पड़ोसी मर गया, चलो खांसी से तुम्हारा पड़ोसी मर गया, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है ना कि तुम भी मर जाओगे खांसी से। नहीं सर मेरे को तो रात की नींद ही चली गई, जब से मैंने सुना कि मेरे पड़ोसी को खांसी हुई थी वो मर गया, सर मेरी तो हालत बिगड़ गई, मैंने तो कल रात को ही सोच लिया कि सवेरे डॉक्टर साहब को जाके मिलूंगा। और सर सवेरे होते ही सबसे पहला काम मैंने क्या किया, सीधा आके आपके पास आके बैठ गया, सर आप बताइए मैं मरूंगा तो नहीं खांसी से, सर आप बताइए मेरे को। अब देखिए ये होते हैं पेशेंट, इसको कहते हैं पेशेंट, जो आपको खांसी के सिम्टम दे रहा है वो पेशेंट नहीं है। असली पेशेंट, जो प्योर पेशेंट, पवित्र पेशेंट, वही है जो ये बता रहा है आपको साइन, बगैर किसी प्रेजुडिस हुए, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, डॉक्टर साहब मैं मरूंगा नहीं सर प्लीज। इसको नोट कर लो, ये कहां से आया अंदर, ये क्यों कर रहा है पेशेंट, ये क्या कर रहा है? डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना, आप भगवान हो मेरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आप भगवान हो मेरे लिए, डॉक्टर साहब बस आप ही हो सर, और कोई नहीं मेरा। हाँ, अब आपको ये जो लक्षण है ना, ये जो चीजें हैं, इसको रिपर्टरी में डालना है बस। अब रिपर्टरी में ये कहां है, ये कला मैं आपको सिखाऊंगा आज, मन। तो ये ध्यान में छोटी छोटी बातें रखनी है कि जो पेशेंट आपको बता रहा है ना कि डॉक्टर साहब मेरे को खांसी करते, मुझे डॉक्टर साहब खांसी से बहुत डर है, मुझे कुछ भी हो जाए बस सर मुझे खांसी ना हो, ये लंग्स ने बताया या मन ने बताया कि खांसी ना हो, मुझे डॉक्टर साहब खांसी से बहुत डर लगता है। कि ये जो जेस्चर्स होते हैं, ये जो छोटी छोटी बातें पेशेंट आपसे करता है, इसको रिपर्टरी में डालें और मटेरियल मेडिका में भी डालें, ठीक है? हम इसको देखेंगे कि ये क्या है जब पेशेंट आपसे कहता है डॉक्टर साहब प्लीज एक रिक्वेस्ट है, डॉक्टर साहब कोई अच्छी सी दवाई देना, डॉक्टर साहब मैं जल्दी से ठीक कर दूं, डॉक्टर साहब प्लीज। आप बताइए, देखिए सिंपल है, पेशेंट आके, देखो पेशेंट को कुछ नहीं पता वो क्या कर रहा है आपके सामने, वो भोला सा इंसान है, बड़ा भोला सा बच्चा है, 40 साल का है, डॉक्टर साहब अच्छी सी दवाई देना, डॉक्टर साहब बस सर आपका ही साथ है, डॉक्टर साहब सर आप तो भगवान है, सर भगवान हो, सर भगवान रुपिंदर जी भगवान हो, बस सर भगवान सर। तो पता नहीं उसको रिपर्टरी नहीं पता है ना, तो क्या कर रहा है,
बड़ा सिंपल है, वो कर रहा है प्रेइंग, इसको कहते हैं प्रे करना। रूब्रिक है हमारे, तो रूब्रिक भी दिखाना शुरू करता हूँ, ठीक है, प्रेइंग। अच्छा ये आपने सुना है, प्रैक्टिस वाले लोग हैं, क्या आपने कभी सुना ये बात कि डॉक्टर साहब आप भगवान हो, डॉक्टर साहब भगवान का रूप हो, किसी ने सुना ये बात पंजाब में या किसी ने सुना? जी बताइए की देखना, बताइए जी किसी ने सुना ये बात? Sir, can't we say it is beseeching? Beseeching, okay, और बताइए। देखिए पेशेंट की ना हमारे रूब्रिक बड़े अच्छे, डॉक्टर डॉक्टर कैंट, डॉक्टर नर, सब लोगों ने रूब्रिक बड़े अच्छे बना के गए हमारी जान, हमारे को ना प्यार आता है उनके ऊपर, रूब्रिक ऐसे बना के गए बेचारों ने, पता नहीं कितनी कितनी मेहनत के बाद ये बेचारे पहुंचे होंगे रूब्रिक के ऊपर। देखिए पेशेंट, मैं दोबारा आपको ना एक लैंग्वेज बताता हूँ, डॉक्टर साहब आप तो भगवान हो, बस आपके अंदर ना मुझे भगवान नजर आता है, मुझे ऐसा लगता है। हाइपोकॉन्ड्रिकल नहीं हो सकता सर? हाँ जी हाइपोकॉन्ड्रिकल नहीं हो सकता कि अटेंशन जाए कि डॉक्टर के मेरी तरफ ज्यादा अटेंशन दे? हाँ आप दोबारा मेरी बात सुनिए, ठीक है डॉक्टर साहब, बस ऐसा है, मैं तो सोचता हूँ ये बीमारी भी ना ब्लेसिंग है गॉड की, डॉक्टर साहब मुझे तो ऐसा लगता है भगवान मेरे साथ ही है, मुझे कुछ होगा नहीं, मुझे पक्की बात है डॉक्टर साहब मुझे कुछ होना नहीं है, मुझे तो हमेशा ही लगता है कि भगवान मुझे, भगवान का हाथ मेरे ऊपर है सर, ब्लेसिंग है, बस सर आपकी ब्लेसिंग ही बनी रही सर, तो बस मैं ना बच जाऊंगा सर, मुझे कुछ होना नहीं है सर। हाँ ये ठीक है कि आप भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है डॉक्टर। अब देखिए हमने इसको कैसे कन्वर्ट किया, वो सालों से लगा रहे हैं रूब्रिक, सालों से, मतलब कोई ऐसा मेरे ख्याल से एक ग्रेजुएट होम्योपैथ नहीं होगा इस वर्ल्ड में जिसने हमारी इस बात को लगा के रूब्रिक ना लगाया। अब मैं आपको ना दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, अब देखिए मैं आपको रूब्रिक दिखाता हूँ, आप भी सोचेंगे ऐसे रूब्रिक हैं और हमें कभी पता चल जाते तो शायद हम लगा भी लेते। मैं अपनी रिपर्टरी से देता हूँ, मैंने अपनी रिपर्टरी 4 साल में तैयार करी है, उसका नाम है परफेक्ट रिपर्टरी, और ये उसी तरह से कंप्लीट की ये रूब्रिक। पहले हम जाएंगे डेल्यूजन में, जाएंगे पहले हम, देखिए एक रूब्रिक आपको समझ में आ रहा है, सामने दिख रहा है आपको डेल्यूजन गॉड रिसीव कम्युनिकेशन फ्रॉम, और डेल्यूजन गॉड दैट ही इज इन ए कम्युनिकेशन विद गॉड, उसको लगता है ये स्टेमोनियम का रूब्रिक है। जब अगर आप इसको सुन के केवल स्टेमोनियम दे देंगे, आप यकीन करिए कोई भी बीमारी हो, ये दो रूब्रिक हैं जो स्टेमोनियम के आते हैं, और ये इतना सुना हुआ है हमने, इतना सुना है, इतना लगाया हमने, इनवेरिएबली कोई भी बीमारी हो। ये एक्चुअली में क्या हो रहा है कि यहाँ पे पेशेंट को बीमार होते ही वो गॉड से कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है, ये इमोशनली पेशेंट जो है इमोशनली अटैच हो गया डॉक्टर के साथ, सर आप ही भगवान है, मुझे तो ऐसा रहता है मैं भगवान से ही बात कर रहा हूँ, ये सुना हुआ है लेकिन ये नहीं पता था कि ये रिपर्टरी में कहाँ है और इसको बोलेगा कैसे। यही डॉक्टर सहगल ने किया, उन्होंने एक एक रूब्रिक को समझा, उसको पेशेंट कैसे बोलेगा क्लिनिक में आके, उस तरह से उसको उन्होंने लिया। ये रूब्रिक लिख लीजिएगा, डिल्यूजन गॉड दैट ही इज इन कम्युनिकेशन विद, याद आएगा ये पूरी प्रैक्टिस में, पूरे अगर आप 30 साल 40 साल प्रैक्टिस करेंगे मुझे लगता है पैसे कमा जाएंगे इस रूब्रिक से, और कुछ ना कर पाए तो पेशेंट तो ठीक कर ही लेंगे, ये तो पक्की बात है, और ये गारंटी से दे रहा हूं मैं आपको रूब्रिक, मतलब ऐसे ही मार खाने वाला रूब्रिक नहीं है, लेकिन हाँ पेशेंट को एग्जैक्टली बोलना यही लैंग्वेज है। डॉक्टर साहब मैं तो आपको देख के मुझे लगा सर मैं भगवान से बात कर रहा हूँ, सर बस आपकी आपकी अगर मेरे ऊपर हाथ रहे, कृपया रही, तो सर मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि स्टेमोनियम जो क्या है, स्टेमोनियम जो पेशेंट है, मैं आपको पहले केस पे भी आऊंगा, देखिए सुपरस्टिशियस है, ये देखिए एक रूब्रिक आता है सुपरस्टिशियस, इसमें स्टेमोनियम है ना, तो स्टेमोनियम सुपरस्टिशियस बहुत तगड़ा है। अच्छा आपने सुना है ना कई लोग, जो लोग फास्ट रखते हैं फास्ट, वो दवाई नहीं खाते, ऐसा समझ में आएगा आपको, जैसे कोई पेशेंट आएंगे सर आज ना रामनवमी का व्रत है मेरा, तो सर मैं आज दवाई नहीं खाऊंगी, तो ये बात समझ में आई सुपरस्टिशियस की बात, क्या ऐसा होता है कि जो लोग फास्ट रखते हैं वो दवाई नहीं खाते हैं, या जो हॉस्पिटल में, ऐसा कभी सुना किसी ने? अगर सुना है तो लिखिए यस, या आप उसमें लिखिए कि आपने सुना या आपने नहीं सुना, या ऐसी कोई बात आपने कभी सुनी जो आपको लगा हो कि पेशेंट जो हैं हाँ सर ऐसा बोलते तो हैं। ऐसा कि आपने, नो सर, एक एसडी है उन्होंने नहीं सुना कभी भी, आप प्रैक्टिस में जाएंगे तो शायद सुनेंगे, बहुत सारे पेशेंट जो है मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब समझो कि 100 में से 10 तो बोलेंगे आकर, अगर वो स्टेमोनियम है तो,
देखिए पेशेंट स्टेमोनियम होगा तो ही बोलेगा ना, अगर स्टेमोनियम नहीं आया तो नहीं बोलेगा। तो ऐसा क्या होता है कि हमारे सामने से क्लिनिक में कई बार स्टेमोनियम चले जाते हैं और हमें पता नहीं होता कि स्टेमोनियम हमारे क्लिनिक में आया और वो निकल गया, क्यों? हमने उसकी बात नहीं सुनी। हम चाहते हैं स्टेमोनियम हमें दिखाए बीमारी में। हम क्या सुनते हैं स्टेमोनियम को, वो एक सुपरस्टिशियस है, वो यकीन करता है। और देखिए वो क्या कहता है, आप भगवान का रूप है डॉक्टर साहब, बस सर आप बस दवाई देंगे ना डॉक्टर साहब, बस आपके हाथ में शफा है, बस दवाई मेरे को लग जाएगी सर, बस भगवान का रूप है। तो देखिए अच्छा, अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस केस के ऊपर जो हमने अभी डिस्कस किया था, ठीक है। अब हमने जो केस डिस्कस किया आपको, देखिए उसके अंदर जो पेशेंट आया था वो मेरे को देख के डर गया और उसको लगा भी ये क्या हो गया। फिर उसने मेरे से सारी कहानी करी, ये किसकी डिग्री है, ये डिग्री किसकी है, ये क्या चीज है, आपको ये पता कि नहीं पता। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम रूब्रिक देंगे, एक रूब्रिक है उसका नाम है इंक्विजिटिव। कभी कभी आप रिपर्टरी में जाएगा ये मिटने पता चलेगा क्योंकि वहां नहीं दिया हुआ इंक्विजिटिव वर्ड। खैर एनीवे अपने डिक्शनरी अपने माइंड में रखना, जब बाहर जाओगे प्रैक्टिस करने तो आपको फायदा देगा। लेकिन जो हमारा स्टाफ है, जो हमारे इतने फ्रेंड्स हैं क्लिनिक का, जो कॉलेज के हैं, शायद उनको ये रूब्रिक समझ में आएगा। कई लोग बहुत इंक्विजिटिव होते हैं, वो आके ना पूछेंगे सर मैं ना नेट में चेक करके आऊ, नेट में पढ़ के आऊ। क्या आपने कभी ऐसा पेशेंट सुना जो ये बोले कि मैं नेट में पढ़ के आया हूं डॉक्टर साहब? यस लिखिए या नो। नेट में डॉक्टर साहब मैंने नेट पढ़ा पूरा सर, नेट में देख के आया सर, मेरी बीमारी पड़ी सर मैंने नेट में, सर जैसे ही मुझे कोई सिम्टम होते हैं मैं तो नेट खोल लेता हूँ, सारा गूगल, आजकल गूगल वर्ड है, जिसको देखो गूगल पढ़ के आ जा रहा है। तो भैया गूगल पढ़ने की जरूरत क्या है, क्या मुसीबत थी? अब देखिए डॉक्टर हनीमैन के टाइम पे, डॉक्टर कैंट के टाइम पे गूगल नहीं था, फिर भी रूब्रिक लिखा हुआ। अब रूब्रिक क्या था उनके टाइम में, क्या किसी और तरीके से लोग इंक्विजिटिव हुआ करते थे। तो इनको हम लोग बोलेंगे जो गूगल में घूम के आते हैं, जो किताबों में पढ़ के आते हैं, सर ऐसा है मेरे को ना होम्योपैथी के साथ बहुत नॉलेज है, सर मैंने इतनी किताबें पढ़ ली सर होम्योपैथी, वो पेशेंट है। देखिए एक पेशेंट आपको ये कह रहा है कि सर मैंने ना सारी किताबें पढ़ ली होम्योपैथी, सर मुझे सब दवाइयां पता है, एलोपैथी की दवाई सारी दवाइयां मुझे रखी हुई है, जैसे मुझे कोई दवाई डॉक्टर साहब प्रिस्क्राइब करते हैं ना, मैं फटाफट जाके ना गूगल पर देखना शुरू करता हूँ ये दवाई क्या नाम क्या है, ये दवाई क्या लिखी हुई है, ठीक है, तो ये दवाई क्या है, इसको आपने इंक्विजिटिव में डालना। अच्छा जो पेशेंट ये बोले कि मैंने डॉक्टर साहब मैं ना दवाई लेते हुए घबराता बहुत, तो मैं क्या करता हूँ जब मुझे कोई एलोपैथी दवाई मिलती है ना, तो मैं जाके नेट में सर्च करता हूँ इस दवाई में क्या क्या है, क्या क्या डाला हुआ है इसके अंदर, क्योंकि सर मेरे को ना केमिकल से लेकर बहुत डर लगता है। अच्छा अभी बोल रही है ये लाइन किसी ने सुनी है कि मुझे केमिकल से बहुत डर लगता है डॉक्टर साहब, मैं एलोपैथी दवाई कम खाता हूँ क्योंकि उसमें केमिकल होते हैं, सर मेरे बहुत डर लगता है केमिकल से, इसलिए मैं क्या करता हूँ कोई भी दवाई अगर आप होम्योपैथिक दवाई भी दोगे ना सर, तो मैं पढ़ूंगा पहले जरूर जाके कि इसमें है क्या, कोई ऐसी चीज तो नहीं कि जो मुझे नुकसान करे मेरे शरीर को। यस लिखिए या नो लिखिए। ये लाइन पेशेंट बोलेगा ये है लैकसिस का पेशेंट, आपको लैकसिस है, मगरमच्छ है, डायनासोर है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लैकसिस इस तरह से बोलता है, लैकसिस की भाषा क्या है बोलने की, ये सर ऐसा है कि सारा कुछ मुझे पता है, मैं पढ़ के आऊं डॉक्टर साहब, तो मेरे को ना कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। तो लैकसिस से इंटेलिजेंट इंसान कोई नहीं है। दवाई के बारे में नेट खोल के पूरा पढ़ता हूँ कि इसमें है क्या, अगर मुझे लगता है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट है तो मैं दवाई खाता ही नहीं, और एलोपैथी तो मैं बिल्कुल ही नहीं खाता। मैं प्रेफर करता हूँ कि पहले गार्गल कर लूँ, पहले कोई होम्योपैथी दवाई खा लूँ, या पहले कोई मैं नीम खा लूँ, कोई पत्ते खा लूँ, फिर मैं एलोपैथी खाता हूँ, क्योंकि लैकसिस है। अब आपके है तो इंक्विजिटिव को हमें बताना पड़ेगा कि लैकसिस का इंक्विजिटिव कैसा होता है इंसान। अब देखिए जो पेशेंट मेरे पास आया वो भी इंक्विजिटिव था, लेकिन उसमें क्या चीज थी उसके अंदर कि वो चीज को पढ़ना नहीं चाहता, खुद पढ़ना नहीं चाहता, वो ये चाहता था कि डॉक्टर साहब आप पढ़ के बताओ क्या है इसके अंदर, आप बताओ क्या है। अगर ये कोई पेशेंट आपके पास रिपोर्ट लाता है, ठीक, पहली बात है आपको कोई रिपोर्ट देगा तो आप क्या करते हो, रिपोर्ट देते हो तो देखिए आपको किसी ने रिपोर्ट दी तो आपका पहला एक्शन क्या होगा, रिपोर्ट देते ही कुछ भी लिखो, मैं पेशेंट हूं मैं आपके पास रिपोर्ट देके मैंने कहा डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट देखो, तो आप क्या करते हो बिंदी सिंह जी 1996, अगर आपको पेशेंट रिपोर्ट ऐसा देगा रिपोर्ट, तो क्या करोगे, डर के मारे रिपोर्ट को देखोगे या क्या कहोगे, धन्यवाद मेंशन नॉट, क्या करोगे रिपोर्ट का, लिखो क्या करोगे, एनालाइज करोगे और क्या करोगे, वी विल डायग्नोज और क्या करोगे। मेरे को अगर कोई पेशेंट रिपोर्ट देखता है, सुनिए
एज ए होम्योपैथ मेरे को पहले पेशेंट को देखना है, डायग्नोज नहीं करना मेरे को, मुझे पहले पेशेंट को समझना है भैया, डायग्नोज तो बाद में भी हो जाएगा। ये केस टेकिंग का एक पहलू है, केस टेकिंग का सुनिए मैं क्या करूंगा उसको, वो मुझे रिपोर्ट देगा, मैं रख दूंगा टेबल पे, चलिए बैठिए बताइए अपने बारे में, बताइए कहाँ से आए हैं। सर मेरे को पता नहीं मेरी रिपोर्ट में क्या, सर देख लो एक बार, या देख लेंगे। आपको पेशेंट को टालना है, जब तक आप टाल सकते हो, ये हिम्मत है आपकी। डोंट गेट इम्प्रेस बाय द पेशेंट कि वो जो कह रहा है वो आपको आंसर देना है, कभी आंसर मत देना। मेरी बात, अब मेरी बात में दम है या आपकी बात में दम है कि डायग्नोस करोगे या मेरी तरह उसको पहले समझोगे, पेशेंट को पहले समझें या डायग्नोस को पहले समझें, क्योंकि इसमें क्या दिक्कत आएगी। पहले आप लिखिए कि मेरा रास्ता क्या है। मेरा रास्ता है कि मैं डायग्नोस पहले नहीं करूंगा, मेरा रास्ता सबसे पहले है कि मैं पेशेंट से पूछूंगा जी कहाँ रहते हो। लुधियाना रहता हूँ सर। सर आप लुधियाना रहते हो, दिल्ली दिखाने आए हो इतनी दूर से, यार वहाँ डॉक्टर नहीं मिले आपको कोई इतने अच्छे डॉक्टर? नहीं सर, इतने एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं मिले सर वहाँ पर, ऐसे लुधियाना में डॉक्टर सर इतने अच्छे डॉक्टर नहीं है, तो मैं दिल्ली में आपका नाम सुना है। देखिए ये अगर इन्फॉर्मेशन आप मिस कर गए तो आप केस पूरा ही मिस कर गए। फाइलों में कुछ नहीं पड़ा आपके लिए, फाइलें निकम्मी है आपके लिए, वो एलोपैथी के लिए फाइलें अच्छी हैं। आप वहां डॉक्टर बन के अपना स्टेथोस्कोप लगा के बैठने से आपको कोई हासिल नहीं होने वाला। आपको हासिल होने वाला है जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले एग्जामिन नहीं करना आपको बेटा, डोंट एग्जामिन द पेशेंट फर्स्ट, कुछ काम नहीं है हमारा, शांति से बैठो, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करना। हाँ जी कहाँ से आए हो जी? हाँ जी सर यहाँ से आए। कौन से मोहल्ले से आए हो? सर इस मोहल्ले से आए हो। यार इस मोहल्ले में कचौड़ी बहुत अच्छी मिलती, खाते हो कचौड़ी? सर मेरा तो गला खराब रहता था, कचौड़ी खाए बहुत दिन हो गए, तो मन करता है कचौड़ी खाऊं? सर बहुत मन करता था। सर आप ऐसा करो, तो ऐसी दवाई दो मैं ठीक हूँ, कचौड़ी खा लूं। हो गई केस टेकिंग। हमें पता नहीं बीमारी क्या है, बीमार कौन है, कैसे है। केस टेकिंग को खराब मत करो, क्योंकि क्या है, केस टेकिंग पहले 5 मिनट में होती है, बाकी 55 मिनट आप खराब कर रहे होते हो। अगर आपने 1 घंटा केस टेकिंग करी तो जो पहले के 5 मिनट है वही बेनिफिट है, 55 मिनट तो बेकार आप टाइम पास कर रहे हो उसका भी और अपना भी। अगर आपको केस 5 मिनट में समझ में नहीं आया तो अगले 50 मिनट में भी समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि जो पहले 5 मिनट है वही उसके इंपॉर्टेंट है, जो उसके मन में चल रहा है इस समय। अब बात यह है कि अब हमने केस की फाइल पढ़ी, पकड़ ली, पहले उससे बातचीत कर ली। अच्छा ये बताओ क्या लिखा फाइल में? सर पता नहीं सर क्या लिखा है, मैंने देखी नहीं। क्यों देखी क्यों नहीं भाई, तेरी बीमारी है तो ये देखना चाहिए सर क्या लिखा है बीमारी। सर आप पढ़ लो ना, तो पढ़े लिखे हो सर, आपको पता होगा क्या लिखा है भाई, ये ठीक तरीका है या गलत तरीका है। मैंने रिपोर्ट नहीं खोली अभी तक, मुझे नहीं पता इसमें क्या है, मैं पेशेंट से पूछ रहा हूं तुमने पढ़ी? मैं देखना चाहता हूं वो डर में है या डर के बगैर है। हाँ सर मैंने पढ़ी, इसमें लिखा हुआ मुझे कैंसर है। चलो ठीक है, ये अलग पेशेंट हो गया। अब एक पेशेंट कहता है कि नहीं सर मैंने पढ़ी नहीं डर के मारे, ठीक है पता नहीं क्या निकला है इसके अंदर डर के मारे। ये देखिए अब इससे क्या हुआ, अगर मैं खोल लेता और पढ़ लेता तो मैं क्या खो देता, मैं अपने हाथ से क्या छोड़ दूं, और नहीं खोला तो क्या फायदा हुआ। सर मेरी बीमारी क्या है आपको नहीं बताना, आप ये आपको क्वेश्चन ये पूछना है, आप पूछ क्यों रहे हो, आपको क्या करोगे जान के आपकी बीमारी क्या है। इससे डरना मत कि पेशेंट नाराज हो जाएगा, पेशेंट भाग जाएगा, तो ये चीज तो आपको क्या करना है, पेशेंट से डरना नहीं है, पेशेंट को समझना है, आराम से समझिए, कोई पेशेंट कुछ नहीं कहने वाला आपको। तो पहला पार्ट तो ये पेशेंट, तो ये पेशेंट कौन था जो मेरे पास आया था, इंक्विजिटिव था, हाईली इंक्विजिटिव था। इसको ये जानना था कि सब चीज मेरी डिग्री क्या है, मेरे फादर क्या करते हैं, ये क्या करते हैं। तो पहले जो डोर खुला केस का वो खुला इंक्विजिटिव से। दूसरा डोर क्या खुला हमारा, दूसरा डोर जो हमने खोला वो ये था, रूब्रिक है फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग, ये रूब्रिक है फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड, इसमें केवल हायोसाइमस है। था आप मेरी YouTube पे जाके वीडियो देखिए, पढ़ी है वहां पे, पढ़ने को बहुत मटेरियल मैंने डाला हुआ है। हमारा अपना स्कूल है, डॉक्टर सैगल स्कूल है, ठीक है उसको ज्वाइन कर सकते हो, हम आपको अच्छी बातें पढ़ाएंगे, डराने की कोई बात नहीं बताएंगे, ऐसा बताएंगे कि आप जब कॉलेज से निकलो तो जो आपने पढ़ा है वो आपके काम आए, उससे घबरा ना जाए आप। पहली बात है इंग्लिश का होना बहुत जरूरी है, ठीक है, हमें मटेरियल मेडिका और रिपर्टरी को पढ़ने के लिए एक इंग्लिश का होना बहुत जरूरी है। आई डोंट से यू हैव टू बी एमएस इन इंग्लिश, आपको मास्टर डिग्री नहीं लेनी इंग्लिश के अंदर, हाँ आपको डिक्शनरी का सहारा लेना पड़ेगा और या फिर हमारी बुक्स का सहारा लेना पड़ेगा। हमारी बुक्स में
हमने इनके मतलब दे रखे हैं। मेरी एक बुक है पाथ फाइंडर क्लिनिकल डिक्शनरी ऑफ रूब्रिक्स वर्ड्स, अगर आप क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा इन वर्ड्स को कैसे पढ़ना, उसका नाम है पाथ फाइंडर बुक है। इसमें एक वर्ड है बींग, अब बींग वर्ड इंग्लिश का वर्ड है लेकिन इसका क्या मतलब हुआ, मैं इसलिए मैं आपको इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा लेकिन क्योंकि ये दिया हुआ है रेपर्टरी में हमें जानना बहुत जरूरी है कि इसको जो वर्ड है इसको क्यों यूज किया गया। ये भी ऐसा अगर आप समझ जाएंगे ना इससे आपको रेपर्टरी पढ़नी आ जाएगी जिंदगी में जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बींग का मतलब होता है, आपने नहीं लिखा, एक कंटिन्यूस प्रोसेस, सिंपल है ठीक है, मैं लिख देता हूं इसमें बींग मीन्स कंटिन्यूस प्रोसेस, जो भी चीज लगातार चलती है उसको बींग कहा जाता है। बींग सिक, बींग सिक वो बीमार चल रहा है ठीक है बेटा। इसके बाद आता है वर्ड आता है कुछ होना नहीं, बींग कुछ होना नहीं बेटा, प्रोसेस है मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस है ठीक? और बिट्रेड, अब दूसरा वर्ड आ रहा है बिट्रेड, तो इसके आगे लगा हुआ ईडी, ईडी का मतलब है ये पास्ट में हुआ था, बिट्रेड मतलब ये पास्ट का वर्ड है, प्रेजेंट का वर्ड नहीं है। ये पेशेंट एक ऐसे प्रोसेस में गुजरा हुआ है जहां वो डर के जी रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि फियर जो होता है, देखिए फियर में फियर को कैसे हम जानते हैं ठीक है, फियर फियर और डिल्यूजन, इसकी मैं आपको परिभाषा नहीं देने वाला ठीक है, आप इसको लिखो, जो डिल्यूजन है वो प्रेजेंट में होता है, इसको नोट करिए, डिल्यूजन प्रेजेंट में होगा और फियर फ्यूचर में होता है, फ्यूचर का होता है, फियर कभी भी प्रेजेंट में नहीं होगा। मुझे डॉक्टर साहब डर लगता है कि मैं फेल ना हो जाऊं, तो वो क्या बता रही है, फ्यूचर में बता रही है, फियर कभी आज का नहीं होगा, मुझे आज डर लग रहा है, मुझे आज घबराहट हो रही है, ये एंजाइटी है, एंजाइटी प्रेजेंट में होती है, तो इसको मिक्सअप मत कर देना, बस मुझे घबराहट हो रही है, ये डर नहीं है, घबराहट डर नहीं है, एंजाइटी है, मुझे डर लग रहा है डॉक्टर साहब, ये फियर है। अब जैसे किसी को, जैसे हम पेशेंट से पूछेंगे तुम्हें अंधेरे से डर लगता है, हाँ सर डर लगता है, अब ये फियर ऑफ डार्क नहीं है, फियर ऑफ डार्क ये है कि पेशेंट क्या कहता है कि डॉक्टर साहब अगर मेरी बीमारी मेरे को ना पता चली तो मेरे को ये डर होता है कि पता नहीं क्या निकलेगा, देखिए मुझे ये नहीं पता कि मेरी बीमारी आगे जाके क्या होगी, लिखिए इस लाइन को, मुझे नहीं पता मेरी बीमारी आगे जाकर क्या होगी, इसको बोलेंगे फियर ऑफ डार्क। फियर फ्यूचर में जाके होगा, प्रेजेंट में नहीं होता कभी भी, इसलिए बिट्रेड वर्ड जो है ये पास्ट से आया हुआ है, पास्ट मतलब ये पीछे से ही चला आ रहा है, वो पहले, इसका मतलब है कि ये जो आदमी है, ये जो आया, जो पेशेंट मेरे पास आया था वो वैसे भी घबराता ही था, अब क्योंकि वो बीमार हो गया है तो वो और घबरा रहा है, आप तो अब उसको बींग और बिट्रेड क्या है, उसको क्या लग रहा है कि डॉक्टर साहब मेरे साथ कहीं आगे जाके, देखिए इसकी लैंग्वेज क्या है, रूब्रिक की, पूरी रूब्रिक की एक लैंग्वेज निकालते हैं, फियर ऑफ बींग बिट्रेड, मेरे को डर है कि कहीं आप ऐसी दवाई ना दे दें कि आगे जाकर, आगे चलकर ये जो मेरी समस्या अभी 10 है वो आगे जाके 100 ना हो जाए, अभी तो मैं, मेरी एक टांग काम कर रही है, ये ना हो आगे जाके मेरी दूसरी टांग भी चली जाए, प्रोसेस, एक टांग खराब है दूसरी ना खराब हो जाए, ये बींग बिट्रेड, तो मेरे को डॉक्टर साहब ये, अब जैसे जैसे इस रूब्रिक को समझने के, वो बहुत आसान रूब्रिक है, बहुत आसान है, और आप देखिए आप अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा ना तो आपको अपने आसपास ही 100 नजर आ जाएंगे, 100 लोग ऐसे नजर आएंगे जो इसी रूब्रिक में होंगे। अब जैसे पेशेंट आता है, सबसे पहले पहली बात यह है कि जब पेशेंट वो आएगा आपके पास, सबसे पहले देखिएगा कि वो नए, ये जो हाईएस्ट एमएस का पेशेंट है ये किसी नए डॉक्टर के पास बहुत मुश्किल से जाता है, नए डॉक्टर के पास, इसको लिखिएगा, नंबर वन, हाईएस्ट एमएस का पेशेंट फियर ऑफ बींग बिट्रेड होने की वजह से नए पेशेंट के पास, नए डॉक्टर के पास बहुत मुश्किल से जाता है, नया डॉक्टर नहीं जाता कभी भी। नंबर टू, जिस डॉक्टर के पास उसको जाना है उसकी पूरी इंक्वायरी करेगा, पूरी इंक्वायरी करेगा, और भाई हमें तो पता नहीं, ओहो आपको नहीं पता, फिर वो आपके पड़ोस के दुकानदार के पास जाएगा, ये जी आपके सामने, हाईएस्ट एमएस वाला पेशेंट यही करता है। अब वो क्या करेगा, सपोज करो आपके क्लिनिक में 4 पेशेंट बैठे हैं, उसमें एक हाईएस्ट एमएस है, अब देखिए जो हाईएस्ट एमएस का पेशेंट है वो क्या कर रहा होगा, वो दूसरे पेशेंट से पूछेगा डॉक्टर साहब कैसे हैं,
भाई डॉक्टर साहब अच्छे हैं, एक्सपीरियंस है, अच्छा है ना, मतलब कैसे आपको क्या लगता है इनका एक्सपीरियंस अच्छा है। और अब देखिए दूसरी चीज, तीसरी चीज, हाई एसएमएस पेशेंट जो आता है आपके पास, एंटर हुआ तो वो क्या बोलेगा, डॉक्टर साहब ऐसा है मैंने आपका नाम बहुत सुना है, मेरे को पता है डॉक्टर साहब आप ना पेशेंट को बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं, आप ना डॉक्टर साहब पेशेंट के साथ बहुत मेहनत करते हैं, डॉक्टर साहब मैंने बहुत नाम आपका सुना है। ये क्या कर रहा है वो, मैंने आपको लैंग्वेज दी, लैंग्वेज पे ध्यान देना बिल्कुल, कान ऐसे खड़े हो जाए पेशेंट आए तो आपकी लैंग्वेज, डॉक्टर साहब मैंने आपका बहुत नाम सुना है, ऐसे नहीं कि आपके कॉलर खड़े हो जाए, कॉलर नहीं खड़े कर रहे हैं, कान खड़े कर रहे हैं, डॉक्टर साहब मुझे ये भी पता है कि आप पैसे के लालची नहीं है, डॉक्टर साहब आप पेशेंट पे बहुत मेहनत करते हैं, सर आपकी दवाई बस मेरे को लगा कि बस सर मैंने जब सुना मैं आपके पास आ गया, अब सर बस आप मुझे, अब देखिए उसने क्या किया, देखिए ये लाइनें किस किस चीज किस रूबरिक की तरफ जा रही है आपको नहीं पता होगा, फिर भी तुक्का लगाइए, डॉक्टर मैंने आपका बहुत नाम सुना, आप बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर है डॉक्टर, और मैंने सुना डॉक्टर आप पेशेंट पे बहुत ध्यान देते हैं, ट्राइंग टू प्लीज डॉक्टर, बटरिंग, मक्खन लगाना, और बताइए। जब आप शुरू शुरू में क्लिनिक में जाएंगे ना और हायर सहमस आएगा तो वो क्या कहते हैं, वो सीधा आपको ना ताड़ पे चढ़ा देगा, ताड़ समझते हैं, सीधा पेड़ पे चढ़ा देगा एकदम आते ही, और उसके बाद आपकी क्वेश्चनिंग करेगा, घसीटेगा आपको, आईएसएमएस वाला घसीटेगा भी बहुत आपको और तारीफ भी बहुत करेगा आपको, डॉक्टर साहब घबराना मत, बिल्कुल मत घबराना, तो घबरा तू रहे हम थोड़ा घबरा रहे, बस आप सारा इतना ध्यान मेरे पे लगा दो डॉक्टर साहब, बस आप फिक्र ना करो, बस ये हायर सहमस की एक स्टेट है, इसे कहते हैं स्टेट ऑफ माइंड ऑफ ए पेशेंट, हाउ टू अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ माइंड, वो जो बता रहा है ना लैंग्वेज, फ्लैटरिंग, इंप्रेसिंग, वेरी गुड, तो देखिए आप बात को समझने शुरू कर, यही आपने क्लिनिक में जाके करना है, पहले पेशेंट ने कुछ बोला उसको ध्यान से सुनो एक मिनट कि क्या बोल गया यार ये, और आपने इन्फ्लुएंस नहीं होना, क्या नहीं होना, आपने लिखिए, आपने क्या नहीं होना, लिखिए लिखिए क्या मैंने बोला वर्ड, आपने इन्फ्लुएंस नहीं होना, इन्फ्लुएंस। तो देखिए अब क्या कहता है वो पेशेंट, अब देखिए मैं आपको रूब्रिक देता हूं, ठीक है, आपने अच्छे अच्छे वर्ड लिखे, वेरी गुड, मेरे को तो क्या पता भी नहीं था तब ये वर्ड, तो इसको कहते हैं रिपर्टरी के अंदर एक वर्ड है इनसाइटिंग अदर, देखिए है वर्ड और एक ही मेडिसिन है हाई सहमस, मैं मेडिसिन भी एक ही दे रहा हूं आपको, वही रूब्रिक दे रहा हूं जो एक ही मेडिसिन के हैं, दूसरे हैं ही नहीं, तो कोई पंगा ही नहीं, कोई कंपटीशन ही नहीं है इसके अंदर, इनसाइट करना होता है जैसे कि आपके ना अंदर हवा भर देना, गुब्बारे हवा भर देना, सर बस मुझे पता है डॉक्टर साहब आप ना पेशेंट को जब देखते हो ना डॉक्टर साहब आप लालची नहीं हो, बाकी सारे लोग जितने भी डॉक्टर है ना जितने भी डॉक्टर है सर सब डाकू है, हाई सहमस वाला, अगर आप देखिए एक क्वेश्चन जरूर पूछना अपने पेशेंट से, प्रैक्टिस करेंगे ना आप, पेशेंट से पूछना कि तुम मेरे पास होम्योपैथी में क्यों आयो, कोई बहुत बुरा क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, भी 10 साल से एलोपैथी खा रहे थे, 5 साल से एलोपैथी खा रहे थे, 2 दिन से एलोपैथी खा रहे थे, नहीं भी खाई है, पहली बात है कि होम्योपैथी आपकी फर्स्ट चॉइस थी, हाँ सर होम्योपैथी मेरी फर्स्ट चॉइस थी, अब क्यों होम्योपैथी आपकी फर्स्ट चॉइस क्यों थी, सर क्योंकि ना आप ना इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते सर, आपको ना टेस्ट नहीं करवाते आप सर, आपको ना डायग्नोस की जरूरत नहीं होती, ये माइंड में रख के पेशेंट जो आता है वो हायर सहमस का होता है। अब हायर सहमस वाला बोलता है कि सर ये बताओ मेरी छाती में बहुत दिनों से कंजेशन है, डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है क्या है, ये क्वेश्चन बड़ा नॉर्मल है ना, बोलो भाई यस के नो, बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन होगा कि ये, अगर पेशेंट कहता है सर मेरी छाती में बहुत कंजेशन है सर बताइए क्या है, जो ये नॉर्मल क्वेश्चन है कि बुरा क्वेश्चन पूछ लिया उसने, क्या अब या तो आप बताएंगे उसकी छाती में भारी क्या ठंड लग गई थी या उसको जुकाम हो गया, आपको क्या पता क्या हुआ, आपको भी नहीं पता, ठीक है ये नॉर्मल है, लेकिन आपको भी नहीं पता इसका आंसर क्या देना है, तो मोस्ट प्रॉबली मैं कह सकता हूं ऐसा करो भी आप ना एक्सरे करवा लो, पता चल जाएगा एक्सरे कि चलो भाई ऐसा है, मैं वर्बली अब क्या बताऊं आपको, क्या मैं ऊपर से देख के बता दूं कि छाती में कौन घुस गया, आपकी छाती में पैच है कि नहीं है, आपको ट्यूबरक्लोसिस है कि नहीं है, कंजेशन है तो क्यों है, क्या मैं बता सकता हूं बगैर वर्बली ऊपर से ही छाती के ऊपर देखे, यस के नो, क्या मैं बगैर देखे ही बता दूं छाती के अंदर कंजेशन है,
या मैं रीजन दूं भी छाती में कंजेशन, मुझे क्या पता अंदर क्या है, तो मैं क्या कह सकता हूं उसको, भी एक्सरे करवा लो, आपने कहना है एक्सरे करवा लो। अब देखिए अगर वो हाई सेवस है, अच्छा मैं अगर उसको कहता हूँ एक्सरे करा लूं तो गलत कह रहा हूँ कि ठीक कह रहा हूँ, यस के नो? अगर मैं कहता हूँ भाई तो एक्सरे करवा ले फिर जाके, या सीटी करवा ले, चेस्ट का दिखा ले किसी से, ठीक है ना? हाँ, यहाँ भी आप एग्री करते हो मेरी बातों से। अब बात यह है कि पेशेंट क्या कहता है, ये पेशेंट पे डिपेंड करता है वो जाएगा या वो नहीं जाएगा। अब अगर वो हाई सेवस वाला है तो वो क्या कहेगा आंसर? सर मेरे ख्याल से आप पहले दवाई दे लो, ऐसा करता हूँ पहले ना आप दवाई दे लो, एक हफ्ते बाद करा लेंगे। भाई अभी तू पूछ रहा था मेरी छाती में क्या है, अब जब मैंने कहा तू एक्सरे करवा ले तो तू कहता मैंने नहीं करवाना, अब तू कह रहा है कि सर ऐसा है कि आप दवाई दे दो, हो सकता है दवाई से ठीक हो जाओ। अब वो यहाँ पे क्या करा, वो मुकर गया, वो टेस्ट करवाने से मुकर गया। भाई ऐसा है, देखो भाई अगर तो तुमने ये जानना है कि तुम्हारी बीमारी क्या है तो तुम्हें ब्लड टेस्ट करवाने पड़ेंगे। अच्छा सर वैसे तो जरूरत नहीं है, चलो आप लिख दो। देखिए पेशेंट क्या करेगा आपके साथ, अब ये गेम खेल रहा है, हाई सेवस वाला गेम खेलेगा आपके साथ, ठीक है सर लिख दो मैं अगले हफ्ते करा के ले आऊंगा। नहीं भाई जब तक आप करा के नहीं लाओगे मैं दवाई नहीं दूंगा, कि मुझे क्या पता मैं किस चीज की दवाई दे रहा हूँ, आप करा के आओ पहले टेस्ट फिर दवाई दूंगा। लेकिन ये मेरे केस चेकिंग का पार्ट है बेटा, मैं उसको एक्सरे कराने के लिए भेज जबरदस्ती धक्का नहीं दे रहा उसको, ये मेरा एक केस चेकिंग का पार्ट है देखने का कि ये बंदा है कौन जो पूछ तो रहा है लेकिन एक्सरे के लिए नहीं जा रहा। ये कह तो रहा है कि सर मैं कमजोर क्यों हूं, सर मुझे कभी कभी लगता है कि मेरा हेमोग्लोबिन ना हेमोग्लोबिन लो हो गया है, तो जाओ भैया चेक करवा लो, हेमोग्लोबिन चेक करवा के आ जाओ, आज जाओ कल आ जाओ ना शाम को दवाई लेने। चलो सर छोड़ो ऐसे करो आज दवाई दे दो, भैया करवा लो चेक। अच्छा सर ऐसे करो लिख दो, अब आपने हाई सेवस को लिख दिया, हेमोग्लोबिन के लिख दिया, एक्सरे के लिए लिख दिया, ठीक है। अब वो एक हफ्ते बाद आपने उसको बुलाया तो वो क्या करके आएगा बताओ जी? आपने लिख के दिया और आपने ये कह दिया बेटा अगले हफ्ते करा के ही आना है या दो दिन बाद करा के आना, मैं दो दिन की दवाई दे देता हूँ, दो दिन में हेमोग्लोबिन बढ़ेगा नहीं, हाँ खांसी दो दिन में ठीक हो सकती है, फिर भी चल मैं तेरे को दवाई दे देता हूँ, तू चार दिन के बाद आना है और साथ में खांसी की रिपोर्ट भी कर देना और एक्सरे की रिपोर्ट भी ले आना, क्यों भी गलत कहा ठीक कहा? चलो सब लोग कहते हैं हाँ मैं राइट हूँ। देखिए मैं बड़ी नॉर्मल प्रैक्टिस बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल नॉर्मल तरीका, कोई फंडे नहीं मैं लगा रहा बहुत भयंकर। चलो मैंने पेशेंट से कहा भैया तू पहले एक्सरे करा के, तब वो कहता चार दिन की दवाई दे दो, चलो चार दिन की दवाई लेके एक्सरे कराओ। अब अगर ये हाई सेवस है तो ये क्या करेगा, ये बगैर एक्सरे कराए आ जाएगा। अब बताइए, अब मैं उससे क्या पूछूंगा भैया एक्सरे? ओ सर, ओहो सर मैं आपको बताऊं, मैं एक्सरे के लिए जाने ही वाला था सर, लेकिन सर जो आपने पर्ची दी थी ना वो मेरी वाइफ ने ना कपड़े धोए उसमें धुल गई। देखिए अब दिमाग देखिए कहां लगाया उसने, अब मैं चुप हो गया। अच्छा भाई तुम्हारी खांसी सर वो ठीक हो रही है, आप ऐसे करो चार दिन की रिपीट कर दो दवाई और एक्सरे की पर्ची दोबारा लिख दो, मैं फिर करा के ले आऊंगा, पक्का पक्का करता हूं। अच्छा आपने फिर लिख दी, जा भैया करा के ले आई हूं। अब वो चार दिन के बाद फिर आया, हाँ भैया एक्सरे की रिपोर्ट, सर वो जरूरत ही नहीं पड़ी मैं ठीक ही हो गया, मेरी खांसी ठीक हो गई। ओ भैया तुम कहा था तू करा ले, तुमने कराई क्यों नहीं? सर अब मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं गया था एक्सरे करवाने तो सर वो दुकान ही बंद हो गई, वो गया ही नहीं था। ये पेशेंट झूठ बोले जा रहा है और एक्सरे नहीं करवाना लेकिन पूछ रहा है कि मेरी खांसी क्या है। देखिए पूछ तो रहा है खांसी क्या है, इंक्विजिटिव है, लेकिन एक्सरे के लिए नहीं जा रहा। अब बताइए कोई रूब्रिक ऐसा बन सकता है कि जो पेशेंट ये तो आपसे पूछना चाहता है कि भाई डॉक्टर साहब ये बताओ मेरी खांसी ऐसा है क्या, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं डॉक्टर साहब कुछ अंदर ही अंदर कुछ बन रहा हो और मुझे पता ही ना चले? देखिए हाई सेवस की लैंग्वेज सुनिए, सब लिखो, हाई सेवस वाला अपनी बीमारी के लिए नहीं आता, नंबर वन, मतलब एक्चुअल बीमारी के लिए नहीं आता। अगर उसको खांसी है तो वो खांसी के लिए आपके पास नहीं आया, अगर उसको घुटने में दर्द है तो वो घुटने के दर्द के लिए नहीं आया आपके पास। वो आता इसलिए है, डॉक्टर साहब मेरे को ना एक महीने से घुटने में दर्द है, अब डॉक्टर साहब मेरे को ना डर लग रहा है यार कहीं ऐसा तो नहीं। देखिए हाई सेवस के लिए वर्ड सुनिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये डॉक्टर साहब कोई खतरनाक बीमारी हो, ये लाइन लिख लिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई खतरनाक बीमारी अंदर ही अंदर चल रही हो, तो ये समझ लेना कि ये हाई सेवस है। जो लाइन लिखी है वो लिखो, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीमारी कहीं कुछ और हो और मैं कुछ और समझ के बैठा हूं और पता चले मैं तो सटक गया निकल गया, ये हाई सेवस की लैंग्वेज है। तो हाई सेवस वाला क्या कर रहा है,
मैं आपको अब रूब्रिक दिखाता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि बीमारी अंदर कुछ और हो और मैं कुछ सब बिल्कुल ठीक लिखा। देखिए ये रूब्रिक है लाइट शंस, ये रूब्रिक है। देखिए इसमें एसएमएस है, 5 रेमेडीज हैं। अब लाइट शंस का मतलब क्या होता है? शंस का मतलब होता है बाईपास करना। मुझे पता ना चले कि क्या है, मैं आंखें मूंद लूं और मुझे इन्फॉर्मेशन ना मिले। लेकिन मैं इन्फॉर्मेशन चाहता तो हूं लेकिन देखना नहीं चाहता। इंक्विजिटिव है हाई एसएमएस वाला लेकिन देखना नहीं चाहता उसको। तो आप हाई एसएमएस वाले को जब भी बोलेंगे, रिपोर्ट लिखेंगे, डॉक्टर रेणुका जी जब आप किसी पेशेंट को कहते हैं कि ये रिपोर्ट करा के आइए, ठीक है, और वो अगली बार रिपोर्ट नहीं कराता तो आप उसको थोड़ा डांट देंगे, अरे रिपोर्ट क्यों नहीं कराई। लेकिन आपको दिमाग में ये नहीं आएगा कि करा क्यों नहीं रहा रिपोर्ट, मेरे 4 बार मैंने इसको लिख के दे दिया, रिपोर्ट करा के ला, ये बंदा टाले जा रहा। हाँ सर अगली बार करा लूंगा, हाँ जी अगली बार करा लूंगा। आपने तो उसको हाई सहमत नहीं दी है, एक तो वो आता रहेगा आपके पास क्योंकि आप एक्सपीरियंस डॉक्टर हो, ठीक है, आप एक्सपीरियंस डॉक्टर हो, उसको और कोई मिल नहीं रहा इसलिए वो आता रहेगा आपके पास ही आएगा, लेकिन ठीक नहीं होगा और रिपोर्ट भी नहीं कराएगा। तो आपको समझ में नहीं आएगा यार ये आता तो मेरी बात तो सारी मानता है, रिपोर्ट क्यों नहीं कराता जाकर, ये टाला टाली क्यों करे जा रहा है। तो आप उसको देखिए लाइट शंस में डालिएगा। तो एक चीज और देखिएगा इसके अंदर जो मैं आपको बताने वाला हूं कि हाई एसएमएस का पेशेंट जो है ना, वो एक जिस डॉक्टर के पास आता है एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास, उसको छोड़ता नहीं। अब यहां फंस गया वो पेशेंट आकर। अब जैसे देखिए कुछ पेशेंट होंगे रेणुका आपके पास जो 2 साल से चल रहे हैं, 3 साल से चल रहे हैं, वो छोड़ नहीं रहे आप। तो आपको भी कभी कभी आता होगा यार जाते क्यों नहीं, ये छोड़ते भी नहीं है और आते भी रोज हैं और ठीक भी नहीं हो रहे, हमारी भी कॉन्शियस कहती है यार ये आ क्यों रहा है बंदा। तो हम ना मैं क्या करता था, पेशेंट को पूछता था, चाहे डर के ही पूछता था, यंग था शुरू शुरू में तो हम डर के पूछते थे भाई साहब आते क्यों हो, पेशेंट ने आके बोला ही यही आराम तो आया नहीं डॉक्टर साहब, वो फिर भी आ रहा है। तो मैं उसे पूछता था भैया तुम आते क्यों नहीं हो, तो वो कहता सर मैं जाऊं कहां, आप ही बता दो कोई अच्छा डॉक्टर। अच्छा रेणु कोई कभी किसी ने ये पूछा डॉक्टर साहब कोई अच्छा डॉक्टर आप ही बता दो, चलो आपसे अगर नहीं हो रहा तो डॉक्टर साहब कोई अच्छा डॉक्टर बता दो कहाँ जाऊंगा, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊं, मैं ठीक तो हो नहीं रहा आपकी दवाई से, आराम आ नहीं रहा, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं करूं क्या, तो कहाँ जाऊं, तो जाऊं कहाँ, क्या आपके पास कोई अच्छा डॉक्टर है कोई रिकमेंड कर दो आप मेरे को अच्छा डॉक्टर, बताइए यस लिखिए कि हाँ आपने सुना कभी ऐसे, चलो ऐसा नहीं मैं बुरा नहीं कह रहा आपको, लेकिन मैं आपसे पास 1 साल से आ रहा हूँ कोई हो नहीं रहा, तो आपकी नजर में कोई डॉक्टर हो, तो आप उससे काउंटर क्वेश्चन पूछिएगा भाई तू खुद क्यों नहीं चला जाता। अब वो कहता है डॉक्टर साहब मैं कहाँ जाऊं, मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ जाऊं, मेरे को पता ही नहीं है। तो इसको हम रूब्रिक क्या लेंगे, इसका एक रूब्रिक है, जिस पेशेंट को ये नहीं पता कि जाना कहाँ है करना क्या है, उसका रूब्रिक है हमारे पास, एक रूब्रिक है ग्रुपिंग एज इफ इन द डार्क, ग्रुपिंग ये आपका आएगा ग्रुपिंग एज इफ इन द डार्क। इसमें हाई एसएमएस है, बाकी और रेमेडीज भी हैं। हाई एसएमएस वाला हमेशा अंधेरे में होता है। अब देखिए ये हाई एसएमएस वाला सबसे पहली बात है आप तक पहुंचा कैसे थे, सबसे पहले आप तक कैसे पहुंचा, पहली बात है आपके बारे में उसने इंक्वायरी करी, इंक्वायरी करने के बाद उसने सारी आपकी इंफॉर्मेशन गैदर करी, आप कितने अच्छे हैं क्या करते हैं कर लिया, उसको विश्वास अभी भी नहीं हुआ आपसे, विश्वास नहीं होता कभी भी हाई एसएमएस को, कभी विश्वास नहीं होता, हमेशा डरा रहता है, दवाई लेने से पहले वो 10 बार पूछेगा सर वो आपने सारे सिम्टम नोट कर लिए थे, सर आपने वो डॉक्टर साहब आपने वो ध्यान दिया उस सिम्टम पे जो। अच्छा एक और चीज मैंने पता, ये बताइए कि कभी आपके पास पेशेंट आया जिस जो पर्ची पे लिख के लाया हो सिम्टम, सर मैं पर्ची पे लिख के लाया हूं सर वो मैं आपको पढ़ के बता दूं, बड़ी कॉमन चीज है ये, इसके बारे में कौन बताएगा कि आपने प्रैक्टिस में कभी ऐसा देखा जो पर्ची लेके आए हो पेशेंट और लिख के दे रहे हो कि सर ये पर्ची लेके आया हूं सर मैं सिम्टम पढ़ दूं पहले, आप अगर आप बुरा ना माने सर पहले आप ये पर्ची दे देख लीजिए पहले इसको पढ़ लीजिए, तो आप पहले पर्ची मत पढ़िएगा। अगेन मैं पर्ची लेके जेब में रख लेता हूँ, हाँ भैया आप बताओ, तुम अपने आप नहीं बता सकते हो, देखिए आपने ना कुछ करना नहीं है, पर्ची लेके जेब में रख लेनी है और टेबल के नीचे आप ऐसे टेबल के नीचे रख लो चुपचाप। अरे पेशेंट जरा देखो भैया बात है, आप हो गए 25 साल के, ये बताओ कि पर्ची पे लिख के क्यों लाए, आप अपने आप ही बता देते सर मेरे को डर है। देखिए आप इसकी बात सुनिए, पेशेंट की अपने आप मत दिमाग लगाइए वो क्या कहेगा, हमें नहीं पता क्या कहेगा, मैंने क्या किया
मैंने क्या लाइन बोली अभी, सर मेरे को डर है कि मैं कुछ भूल ना जाऊं, तो पूरी लाइन क्या है, वो ये नहीं कह रहा मेरी मेमोरी वीक है, वो ये नहीं कह रहा मैं भूल ना जाऊं, मेरे को डर है कि मैं कोई सिम्टम आपको बताना भूल ना जाऊं, क्योंकि होम्योपैथी में मुझे पता है कि आपको सब कुछ बताना जरूरी है। फियर ऑफ बींग फॉरगेटफुल, ओके और बताइए, वो क्या कह रहा है, मेरे को डर है कि मैं कोई सिम्टम मिस ना कर दूं डॉक्टर साहब, क्योंकि मैंने सुना है कि होम्योपैथी में आप सारे सिम्टम लेते हैं, तो उसको किस डर, उसको डर किस बात का बेटा, फियर ऑफ बींग फॉरगेटफुल, फियर ऑफ नॉट मिसिंग एनी सिम्टम, बिल्कुल ठीक है। क्या हो जाए अगर वो भूल गया, चलो मैं आपसे एक नॉर्मल एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछता हूँ, पेशेंट ये कहता है कि डॉक्टर साहब मैं कोई सिम्टम ना भूल जाऊं, क्योंकि होम्योपैथी में मुझे पता है कि आपको आप सब कुछ पूछते हैं, इसलिए मैं लिख के लाया हूं, ऐसा वो क्यों कह रहा है? यस, बिकॉज ही वॉन्ट्स प्रॉपर मेडिसिन, उसको लगता है कि दवाई सही मिल जाए, सो वट ही फील्स ही विल गेट, मैं लिख के यहां पर रखता हूं, आप उसको नोट करिएगा, ही विल गेट प्रॉपर मेडिसिन, ये उसका पहला होगा, मेडिसिन कहीं गलत ना मिल जाए, वेरी गुड, सही जवाब दिया है, मेडिसिन कहीं गलत ना मिल जाए, फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड, बिल्कुल सही लिखा आपने आकांक्षा, तुमने बिल्कुल सही लिखा है, वेरी गुड, इसी को हम कहते हैं फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड, क्योंकि अगर दवाई गलत मिल गई तो डॉक्टर साहब ये आगे तक जाके मुझे नुकसान करेगी, बीइंग ये मुझे आगे जाके धोखा तो नहीं दे जाएगा, तो इसलिए ये क्या करता है पेशेंट, अब देखिए हाई एसएमएस वाला पेशेंट क्या करता है फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड में, अगर आप हाई एसएमएस पेशेंट को बिल्कुल कोई नई चीज खाने को देंगे, चाहे आपके घर में ही हो, आप देखिएगा कोई अगर आपके आसपास कोई रिश्तेदार कोई घर में है, उसको अपना कोई नई चीज ऑफर करो, ऐसी मिठाई ऐसी चीज जो उसने कभी खाई ना हो, कभी ना खाई हो, कभी देखी भी ना हो, तो हाई एसएमएस वाले का रिएक्शन पहले क्या होगा, वो उसको पहले चखेगा कैसे, तो आप हाई एसएमएस बच्चे को कोई चीज दें, ले बेटा ले ले, वो ऐसे कर लेगा, अगर उसने नहीं देखी वो देखता रहेगा उसको, लेकिन हाथ नहीं लगाएगा कभी भी। और जो मैंने आपको बताया था कि हाई एसएमएस वाला जो पेशेंट है वो एक डॉक्टर अगर पकड़ लेता है तो उसको आसानी से नहीं छोड़ पाता, छोड़ नहीं पाता, उसको कहते हैं बैड डिजायर तो वो एक अलग वो आगे आएगा, बिल्कुल ठीक तुमने पकड़ा, लेकिन अभी बात यहां आ रही है कि देखिए बात क्या है कि सबसे पहली बात है कि पेशेंट क्या कहता है उसकी बात समझिए। पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मैं एलोपैथी तो खा रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ मैं होम्योपैथी खाऊं, चलो ठीक है यहाँ बात समझ में आ गई, वो आया इसलिए है। अब पहली बात है तुम क्या सोच के आए होम्योपैथी में, मतलब तुम्हारा क्या व्यू है? सर मेरा ये व्यू है कि होम्योपैथी में परमानेंट क्योर कर देते हो आप, तो उसका क्या व्यू है जी, लिखिए पेशेंट का क्या व्यू है जो एलोपैथी तो खा रहा है, होम्योपैथी में वो इसलिए आया है क्योंकि होम्योपैथी परमानेंट कर देती है, लिखो जी क्या लिखा, क्या कहा मैंने उसको, उसका क्या व्यू है पेशेंट का, हाँ परमानेंट करने आया हुआ। चलो अब आप कर सकते हो या नहीं कर सकते ये आपकी समस्या है, उसकी समस्या नहीं है, अच्छा चलो ठीक है। अब हम पेशेंट से ये पूछेंगे कि भाई बात ये है कि तुम्हें ब्लड प्रेशर है 20 साल से, तो तुम्हें ये कब से तुम्हारे दिमाग में आया परमानेंट क्योर होने का आइडिया, परमानेंट क्योर करने का आइडिया कब से तुम्हारे दिमाग में आया, और उसको पता कैसे चला कि होम्योपैथी में परमानेंट क्योर होता है, वो तो होम्योपैथ तो है नहीं ना, ये तो डॉक्टर हनीमैन लिख गए हैं, उसको तो बता के गए नहीं, परमानेंट क्योर होता है ये कैसे पता, पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, परमानेंट क्योर करवाना क्यों चाहते हो भाई तुमने, बिकॉज ही फेल्ट अदर कॉम्प्लिकेशन इन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, हाँ ये हो सकता है कि एलोपैथी खाने से डॉक्टर साहब मेरे को जो है और कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो ठीक है भाई अगर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं तो 10 साल क्यों खाई, फिर 10 साल पहले क्यों, 10 साल तक क्यों खाते रहे, आज ही आज सो हम कहां खड़े हैं, हम प्रेजेंट में खड़े हैं, प्रेजेंट में वो आया आज आपके पास आया है, 10 साल से एलोपैथी खा रहा है, आज उसको कल रात को सपना आया, ऐसा क्या ख्याल आ गया उसको कि चलो भी होम्योपैथी में, बिकॉज फर्स्ट बिलीव दैट एलोपैथी विल क्योर, नहीं एलोपैथी वाले तो पहले ही बोल देते हैं कि जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। कुशल नंदा जी आप कभी ब्लड प्रेशर या जब डॉक्टर बन जाओगे तो एलोपैथी डॉक्टर तो पहले ही लिख देता है आपके माथे पे लिख देता है कि आपको ब्लड प्रेशर हो गया है पूरी जिंदगी खाओगे, ये तो कभी कहता ही नहीं कि बच जाओगे जिंदगी भर इससे, जब जाओगे ऊपर तो ब्लड प्रेशर से ही जाओगे, रहोगे तब भी ब्लड प्रेशर से रहोगे और जाओगे तब भी ब्लड प्रेशर से ही जाओगे।
because now he realized homeopathy has treated other people takes time but will recover from it. चलो तो सारा क्या करेगा? अब देखिए हम तो आते हैं हायर सेमेस्टर के ऊपर, ठीक है बेटा, तुम थर्ड प्रोफेस में हो, अच्छी जा रही हो. अब हमने रेमेडी ढूंढनी है हायर सेमेस्टर, तो हायर सेमेस्टर वाला इस सिचुएशन में क्या करेगा कि डॉक्टर साहब ऐसा था कि मैंने, मुझे ऐसा लगा कि एलोपैथी दवाई तो मैं अगर खाऊंगा डॉक्टर साहब तो मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि एलोपैथी से मेरा ब्लड प्रेशर तो ठीक रहेगा लेकिन मेरे को आगे आगे चल के जो है ना इसकी कॉम्प्लिकेशन होने का डर है, कॉम्प्लिकेशन. तो देखिए अब हाई सेमेस वाला किस चीज से डरता है? कॉम्प्लिकेशन से बहुत डरता है. वो सबसे पहला वर्ड जो हाई सेमेस वाला आपको पकड़ाएगा वो है कॉम्प्लिकेशन. सर मेरे को ये डर होता है कि सर आगे जाके ना, अब 10 साल तो मैंने खा ली, अब आगे जाके कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए सर. और तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग इस एक रूब्रिक है, इस वर्ड का ही रूब्रिक है, फियर ऑफ बीइंग injured. 7838984490 डॉक्टर वेदांत सहगल इज माई सन, यू कैन कॉन्टेक्ट हिम. आपसे वो मेरे साथ प्रैक्टिस भी करता है. हाई सेमेस वाला डरता भी एक तरफ से डर रहा है, देखिए एक तरफ से तो डर रहा है कि एलोपैथी नहीं खानी क्योंकि खाऊंगा तो आगे चल के और नुकसान करेगी. ये जो नुकसान करेगी इसको हम कहते हैं इंजर्ड. तो इसका जो रूब्रिक है मैं आपके सामने लाता हूँ स्क्रीन के ऊपर, फियर being injured. ये देखिए ये रूब्रिक आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड. ये रूब्रिक मतलब हमने कम से कम हाई सेमेस्टर वाले को ये लगता है कि डॉक्टर साहब मेरे को एलोपैथी मेडिसिन खाने से बहुत डर लगता है कि डॉक्टर साहब कहीं ये ना हो, कहीं देखिए एक वर्ड ध्यान रखिएगा हाई सेमेस्टर को, कहीं ऐसा ना हो मेरी किडनी फेल हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा लेने के देने पड़ जाए. इसको कहते हैं फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड ऑफ हायर सेमेस्टर. अब बात यह है कि पेशेंट तो आ गया हाई सेमस का, अब आप उसको कहते हैं भाई बात सुन, खाने देर को होम्योपैथी पड़ेगी, एलोपैथी तो छोड़नी पड़ेगी. हम भी अड़ जाते हैं, अब हम अड़ गए यहाँ पर. वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा, सर प्लीज मेरी बात समझो, सर अगर आपकी दवाई फेल हो गई तो सर आपके यहाँ तो सर दवाई को ढूंढना पड़ता है. सर ऐसा नहीं होता सर, क्योंकि बात यह है कि आपके पास कोई एक दवाई तो है नहीं कि आपने दे दी और वही मेरा ब्लड प्रेशर ठीक कर देगी. पहले तो आप दवाई ढूंढोगे, अगर वो लग गई तब मेरा काम भला होगा. और सर अगर आप दवाई में ढूंढने में असफल हो गए तो मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा. ढूंढोगे और लग गई तो ठीक है, नहीं तो तुक्का है, फिर तो मर गया मैं तो. तो आप कहते हो एलोपैथी छोड़ दो, होम्योपैथी का पक्का नहीं है, तो मैं तो मर गया बीच में. बात तो ठीक कह रहा भाई तू. अब वो ये कहता सर ऐसा है, आप दवाई सिलेक्ट करो, मैं आपकी दवाई खाऊंगा, धीरे धीरे अगर मेरे को आराम लगने लग गया तो मैं होम्योपैथी दवाई छोड़ दूंगा, मैं एलोपैथी छोड़ दूंगा, ये तो ठीक है. अब देखिए पेशेंट आपको समझा रहा है, हम पेशेंट को नहीं समझाते. तुम बताओ भाई तुम क्या चाहते हो? सर मैं चाहता हूं आप मुझको एलोपैथी अलाउ कर दो और साथ में होम्योपैथी दवाई दे दो, जब होम्योपैथी दवाई काम करना शुरू कर देगी तो मैं एलोपैथी छोड़ दूंगा. अब ये तो हो गया उसकी लैंग्वेज. तो हम कहां फोर्स कर रहे हैं दीक्षा, हम तो बात कर रहे हैं उससे भाई, हम उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं. होम्योपैथी में दम है, होम्योपैथी अकेले में काम करती है. वो कहता है मैं मानता हूं होम्योपैथी में दम है, लेकिन बात तो ये है कि मेरे को पहले रिजल्ट मिलेगा तब तो मैं एलोपैथी छोड़ूंगा. ये पेशेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है. अच्छा वो कहता है कि सर फिर रहने दो सर, आप ऐसा करो मैं फिर एलोपैथी सर ऐसा, लेकिन ऐसा सर मेरे को ये बताओ अगर मैं एलोपैथी के साथ होम्योपैथी खा भी लूं तो नुकसान क्या है? बात तो सही बात है कि हम उसको क्या समझाते हैं, देख भाई जब तेरे को होम्योपैथी से आराम आना शुरू हो जाएगा, साथ में तू एलोपैथी खा लेगा, कल को कुछ सिम्टम आ गया तेरे को, कुछ आ गया तो तू ब्लेम किसको करेगा? होम्योपैथी को. अगर ठीक हो गया तो तू कहेगा एलोपैथी से ठीक हो गया. तो हम तो बीच में फंस गए ना. लेकिन अब हायर सेमस वाला बार बार आपको एक ही चीज बोलता रहेगा, सर ऐसा है धीरे धीरे छोड़ दूंगा, सर धीरे धीरे छोड़ दूंगा, सर धीरे धीरे छोड़ दूंगा. तो मैं आपको समझाना चाहता हूं हायर सेमेस का फॉर्मूला ये है, एक हाथ दे और एक हाथ ले. अब जैसे बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसके हाथ में एक टॉय है, एक खिलौना है. आप उसको कहते हो बेटा टॉफी ले ले, खिलौना दे दे. अब वो देखिए बच्चे की हालत देखिए, उसको ये विश्वास नहीं होगा कि आप टॉफी दे दोगे. ये ना हो कि मैंने खिलौना आपको दे दिया और आपने टॉफी ना दी तो मैं तो खिलौने से भी गया. इस एग्जांपल से समझिएगा इस पेशेंट को. ये ना हो
कि मैंने बच्चे देखिए बच्चे की कल्पना कल्पना देखिए बच्चे को हाय सहमत बच्चे के हाथ में खिलौना है और आप उससे कह रहे हो बेटा दे दे ये ले मैं तेरे को उससे अच्छा बड़ा खिलौना देती हूँ। अभी आपने दिया नहीं है वो आपके हाथ में है और बच्चे के हाथ में अपना खिलौना है। अब बच्चा क्या कर रहा है वो अपने खिलौने को मजबूती से पकड़ेगा पहले आपके खिलौने को मजबूती से पकड़ लेगा जब उसके ग्रिप में आ जाएगा फिर वो धीरे से इसको लिफ्ट करेगा लेकिन पहले ऐसे नहीं करेगा ले ले और दे दे ऐसा कभी नहीं करेगा बच्चा। इसी तरह से ये पेशेंट भी क्या करेगा पहले आराम आ जाए जब मेरे को डॉक्टर साहब लगेगा ना कि आराम आ गया है। देखिए लाइन सुनिए हाय सहमत की ये हाय सहमत की लाइन दे रहा हूं डॉक्टर साहब जब मुझे लगेगा ना कि आराम आ गया है तो मैं धीरे धीरे एलोपैथी छोड़ दूंगा तो देखिए बन गए हाय सहमत। इसी तरह से बच्चों को देखिए बच्चा क्या करता है पहले आपको देगा नहीं एकदम से बस छोटे बच्चे को आपको चीज खाने को दे दो नई चीज उसकी माँ से पूछो बीमार है खांसी कर रहा है देखो बच्चा खांसी कर रहा है क्या दवाई ले रहा है डॉक्टर साहब बहुत मुश्किल है इसको दवाई देना। हाय सहमत वाले बच्चे को दवाई देना सबसे मुश्किल काम है डॉक्टर साहब मुंह भींच लेता है चम्मच चम्मच जैसे ही मैं पकड़ती हूँ ये अपना मुंह भींच लेता है डॉक्टर साहब मुझे खोलना पड़ता मुंह घेरना पड़ता चम्मच डॉक्टर साहब खोलता नहीं है थू थू करके बाहर फेंक देता है। ये हाय सहमत का बच्चा है वो पहले बताएगा कि चम्मच में है क्या उसकी माँ कहेगी बेटा मिठाई है चम्मच में दिखाओ पहले क्या है पहले दिखाओ क्या है अब ये है दिखाओ दिखाओ पहले क्या है बच्चा पहले बोलेगा दिखाओ क्या है तो आपने उस बच्चा क्या करेगा जब वो चम्मच में कुछ मांस को देगी उसको ये डर हुआ दवाई तो नहीं है। हमने ऐसे सीखा ये मेरा प्रैक्टिस करने का तरीका था हमें बात को समझ नहीं थी कि बच्चे को कैसे समझे तो मेरा ये एक तरह से समझना है कि हमने आपको बेड डिजायर रिमेन दे दिया। अब बेड डिजायर का क्या मतलब होता है कि पेशेंट जो है वो सोचता है कि यार मैं डॉक्टर इससे अच्छा है तो फिर मैं एलोपैथी में रहता हूँ फिर मैं और जिस डॉक्टर को मैं पकड़ लेता हूँ उसको मैं छोड़ता नहीं इसको हम लेते हैं बेड डिजायर टू रिमेन इन। अब आप सोचोगे ये रूब्रिक बेड डिजायर में कहां से चला गया बेड वाली कोई बात तो है नहीं बेड डिजायर्स टू रिमेन ये रूब्रिक है मैं आपको दे रहा हूं बेड डिजायर्स टू रिमेन इन मतलब पेशेंट एक ही स्थिति में एक ही जगह के साथ एक ही आदमी के साथ रहना चाहता है बेड कहते हैं। हाँ मैं आपको रूब्रिक दे रहा हूं पार्थ बेड कहते हैं एक बेड को अलग तरीके से भी जाना जाता है ठीक है बेड होता है बेड इसको पढ़ने के लिए आप मेरी एक बुक है ROH बुक सीरीज 9 इसमें हाय सहमत दे रखी है मैंने प्रॉपर आप हाँ अब बेड आते हैं बेड किसको कहते हैं एक फर्नीचर होता था पहली बात है बेड इज ए फर्नीचर होता है ठीक है लेकिन आपको पता है लोग क्या कहते हैं कभी कभी कि मेरे को डॉक्टर अपने बिस्तर पे ही नींद आती है मैं अगर कहीं और जाकर सोता हूं तो मुझे नींद ही नहीं आती तीन तीन चार चार दिन लग जाए तो बेड इज ए प्लेस ऑफ बेड इज ए प्लेस ऑफ कंफर्ट ठीक है और बेड इज ए प्लेस बेड इज ए प्लेस ऑफ सिक्योर्ड सिक्योर जोन। अरे तो ध्यान से सुन मेरी बात देखो जी बेड डिजायर क्या है बेड डिजायर है आप जो है चाहते हैं कि मैं डॉक्टर साहब एक चीज डॉक्टर साहब मैं पकड़ लेता हूँ जैसे कोई दुकानदार है या कोई बिजनेस है। अब एक पेशेंट आता है वो कहता है डॉक्टर साहब जब मैं बीमार हूँ 5 साल से मैं बीमार हूँ डॉक्टर साहब 5 साल से ना मैं सोच तो रहा हूँ कि बिजनेस चेंज कर लूँ लेकिन डॉक्टर डर के मारे मैं बिजनेस चेंज नहीं कर पा रहा मुझे डर है कि ये ना हो कि मैं बिजनेस तो चेंज कर लूँ तो जो मेरा बिजनेस चल रहा है वो भी चला जाए ऐसा तो नहीं कि ये ना हो कि मैं इस चक्कर में वो भी खो दूं। तो हाय सहमत को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है खो देने का डर। देखिए मैं आपको लास्ट वर्ड दे रहा हूं जाने से पहले खो देने का डर जो उसके पास है वो खो ना दे जो उसके पास है खो देने का डर एक चीज। दूसरा कॉम्प्लिकेशन इसको लिखते जाओ बस अब कॉम्प्लिकेशन। तीसरा इन्वेस्टिगेशन नो टू इन्वेस्टिगेशन ऑल और डॉक्टर की तारीफ करना इंसाइट करना डॉक्टर को और इसके अलावा क्या है उसके अंदर मैंने क्या बताया हमेशा हमेशा शक करना शक बहुत ही है शक्की है बहुत नंबर का हमेशा शक करेगा अपने फ्रेंड पे भी शक करेगा। आपके पास आपकी फ्रेंड ने एक पेशेंट भेजा भी है तो मेरी बात सुनिए कि हाय सहमत वाले पेशेंट को आपके ही किसी फ्रेंड ने भेजा वो तो जाएगा लेकिन उसके मन में क्या आएगा उसके मन में ये आएगा कि ये दोनों कहीं कमीशन तो नहीं बांट रखी इसने। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो दोस्त है इस डॉक्टर की ये इतनी तारीफ क्यों कर रही थी डॉक्टर की कहीं ये तो नहीं है आपस में बैठ के पैसा लपेट रहे हो दूसरे का ये तो नहीं पैसा लपेट रहे हो। ये जो हाय सहमत का पेशेंट है ना ये अपनी माँ पे भी विश्वास नहीं करता छोटा बच्चा है
इसको अपनी माँ पे विश्वास नहीं होगा। देखिए बच्चे को खांसी हो गई, बच्चे को थोड़ा सा बुखार हो गया, बुखार हुआ थोड़ा सा बुखार हुआ तो माँ उसको हाथ लगाएगी, बेटा तेरे को बुखार नहीं, नहीं मेरे को कुछ भी नहीं है, कहाँ है मेरे को बुखार, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कोई खांसी नहीं, खांसी कहाँ है देखो कोई खांसी नहीं मेरे को, तो ये बच्चा कर रहा है एसएमएस का। माँ कहती बेटा मैंने सुना तेरे को अभी खांसी हो रही थी, मैंने सुना तेरे को अभी खांसी हुई है, नहीं मम्मी आपने गलत सुना मेरे को तो कोई खांसी नहीं है। क्यों? उसको डर क्या है कि उसकी माँ उसको हॉस्पिटल ले जाएगी, हॉस्पिटल से बहुत डरता है बच्चा, बहुत डरता है हॉस्पिटल जाने से, ये बच्चा हॉस्पिटल के नाम से ही आधा तो ठीक ही हो जाए, डरता बहुत है हॉस्पिटल के नाम से। माँ कहती है कि जैसे डॉक्टर साहब इसको मैं बोलती ना डॉक्टर के पास जाना है, बस वहीं से रोना शुरू कर देता है, घर से ही रोना शुरू कर देगा कि मेरे को डॉक्टर के पास नहीं जाना, या मेरे को फिर होम्योपैथी डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी तेरे को बेटा। पहले मैं इसको एलोपैथी डॉक्टर के पास लेके जाती थी, आज मैंने इसको बोला मैं तेरे को होम्योपैथी डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी, इसको विश्वास नहीं हुआ डॉक्टर साहब मेरे पे, सारे रास्ते देखता आया कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है, अरे ये तो आप मेरे को वही ले जा रही हो एलोपैथी डॉक्टर के पास, ये तो वही गली है, नहीं बेटा वो गली नहीं है, वो गली पीछे रह गई। ये शक्की बहुत है एसएमएस का बच्चा, कभी भी शक के दायरे में रखेगा, सबको शक के दायरे में रखेगा, और देखिए डॉक्टर की तारीफ भी करेगा लेकिन तारीफ ये डर के कर रहा है कि डॉक्टर नाराज ना हो जाए, ये सच्ची तारीफ नहीं कर रहा। और एक इसको क्या डर होता है कि सारे डॉक्टर सबको ना, मैं एलोपैथी डॉक्टर के पास नहीं जाता क्योंकि ना सबके सब डाकू हैं, सब पैसा कमा रहे हैं डॉक्टर साहब, उनको पेशेंट के किसी को कोई चिंता नहीं है, सबको लग रहा है बस पैसा कमा लो। देखिए एक रूब्रिक है यहां पे, डिलूजन, सोल्ड एज इफ ही वुड बी। डॉक्टर साहब मेरे को क्या लगता है हमारे यहाँ तो डॉक्टर साहब गंजाल है डॉक्टरों का, वो क्या करते हैं कि जैसे ही पेशेंट आया उसको रेफर कर देते हैं इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए, इन्वेस्टिगेशन में वो झूठी रिपोर्ट लिख देते हैं ताकि ना मैं दवाई खाता रहूं, फिर वो दवाई मैं खाऊंगा वो फिर रिपोर्ट करवाएगा मेरी, तो सर ये नेक्सस है पूरा का पूरा, ये डॉक्टर मिले हुए हैं आपस में। लेकिन डॉक्टर साहब मेरे को यकीन है आप ऐसे नहीं हो, आप ऐसे नहीं हो, सारे डॉक्टर डाकू हैं, ये हाई सेवंस वाला झूठ बोलेगा जब आप, वो इसलिए बोलता है ताकि आप उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए ना बोलो, तो वो आते ही पहले बोल देगा, ऐसी लैंग्वेज बोलेगा ताकि आप उसको बोलो सर आप भी इन्वेस्टिगेशन करा रहे हो, आप तो कभी इन्वेस्टिगेशन कराते नहीं थे मैंने सुना, आपको क्या पड़ गई इन्वेस्टिगेशन कराने की, क्या किसी ने ये लैंग्वेज सुनी है, महंगी महंगी दवाइयां महंगे महंगे टेस्ट लिख देंगे डॉक्टर साहब फिर कमीशन खाएंगे आपस में, अभी यही है सर महंगी महंगी दवाइयां लिखो फार्मेसी से पैसा कमाओ और लूटो पेशेंट को, सर बहुत लूट है डॉक्टर साहब आपको पता नहीं, आप ही अच्छे हो, देखिए साथ में लाइन में क्या कह रहा है, आप ही अच्छे हो बाकी सब निकम्मे हैं सब चोर है। उसको तो लगता है मेरा बाप भी धोखा दे रहा है सर मेरे को, मेरे को तो लगता है मेरा भाई सबसे बड़ा दुश्मन है सर मेरा, सबसे बड़ा दुश्मन ही मेरा भाई है। इसलिए हाई एसएमएस वाला कभी भी कोई नई चीज नहीं खाता, कभी आपके साथ कोई हाई एसएमएस वाला ट्रेन में सफर कर रहा हो आप उसको ऑफर करिए बिस्कुट टॉफी चॉकलेट, लो भाई साहब आप खा लो, नहीं भाई साहब मेरा पेट भरा हुआ है, अरे भाई साहब खा लो बहुत अच्छा है मेरी वाइफ ने बहुत अच्छे से बनाया है खा लो थोड़ा टुकड़ा क्योंकि मेरे को इतना अच्छा लग नहीं था, थोड़ा आप भी खा लो, मेरा कहने का मतलब ये है। अब वो हायर समझ वाला मना करता नहीं भाई साहब अरे खा लो डॉक्टर साहब अरे खा लो भाई साहब थोड़ा सा तो खा लो, नहीं जी नहीं मेरा गला खराब है, भाई साहब खाएगा नहीं हायर समझ वाला, एक तो नया आदमी नई चीज वो तो डर के मारे खाएगा नहीं, अगर बहुत जबरदस्ती कर भी दी अच्छा डॉक्टर वो इतना टुकड़ा देखिए इतना टुकड़ा ले लेगा प्रसाद में से इतना टुकड़ा प्रसाद का लेगा ठीक है डॉक्टर हो गया जी जा रहा हूँ। ये हाई समझ 100% है।